आप प्रवेश कर रहे हैं सीएनबीसी आवाज और इबिक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, कमाई के अड्डे में आपका स्वागत है। वीरेन जी और मेरे साथ आप सीएनबीसी आवाज और इबिक्स कैश के इस शानदार स्टूडियो में मोमेंटम का लुत्फ अगले 90 मिनट उठाते हुए दिखेंगे। वीरेन जी, निफ्टी 28 अंक ऊपर 17383 और बैंक निफ्टी आपके सामने चहकता हुआ 132 अंक ऊपर 36605। फ्रंटलाइन काउंटर्स सुस्ताते हुए और निफ्टी के बाहर आप देखिए रौनक लगी हुई है आज मंगलवार के दिन। जी हाँ, नमस्कार शैल जी, और ये सही कहा आपने। निफ्टी ने जो काम अपना सुबह करना था कर दिया, एक स्ट्रेच मिला और हम ऑल टाइम हाई छू के आ गए। और कुछ देर पहले अगर आप देखें शैल जी के ट्विटर पे, आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्लाइड देखी होगी, वो मैंने भी शेयर की है। और देखिए किस तरीके से दिग्गजों से हटकर अगर आप देखें तो इस वक्त जो मिड कैप है या फिर डेरिवेटिव्स में कुछ चुनिंदा स्टॉक्स हैं उनमें काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। हालांकि आप इस वक्त देखिए तो शैल जी करीब 17382 ये स्तर है निफ्टी का, निफ्टी बैंक करीब करीब 36612। एक बार मैं आपकी मुलाकात करा देता हूं पूरे के पूरे पैनल के साथ और फिर बढ़ते हैं आगे, निफ्टी को समझेंगे, निफ्टी बैंक को समझेंगे और एग्जैक्टली करना क्या चाहिए। पैनल में मौजूद रहेंगे असित बरन पाथी, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड्स पर उनसे बातचीत करेंगे। और साथ ही साथ अगर आप देखें पैनल में हमारे साथ इस क्लोजिंग में जो पूरा पैनल जुड़ेगा उसमें प्रकाश गाबा सर होंगे, उनसे एग्जैक्टली उनका टेक्निकल कॉल लेंगे कि वो किन स्टॉक फ्यूचर्स को चेज कर रहे हैं। और श्रीकांत चौहान कोटक सिक्योरिटीज से, एक्सिस सिक्योरिटीज से राजेश पालवे होंगे, रचना वैद्य जी होंगे हमारे साथ, और विलुमनील के मयूरेश जोशी, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज चंदन थापड़िया और राहुल शर्मा होंगे हमारे साथ जीएम फाइनेंशियल से, आईएफएल सिक्योरिटीज से श्री संजीव हसीन होंगे 3 बजे, और साथ ही साथ यतिन से बात करेंगे डीलर रूम चेक में डीलर्स की एक्सपेक्टेशन। एक बार आप निफ्टी लेके आइए स्क्रीन पर, फिर चलते हैं शैल जी के पास। 17385 निफ्टी का स्तर यहाँ पर है, एक टेक ऐड कर देता हूँ। सुबह सुबह हमने 17400 की कॉल पे एक प्रॉफिट बुक किया था, कमेंट्री थी 447 तक का लेवल आएगा। अगर आपने प्रॉफिट बुक किया है तो अच्छा है, और लॉन्ग है तो एक बात याद रखिएगा और वो ये है कि कल की क्लोजिंग और 17340 इस पॉइंट पे, पिवट पॉइंट पे नजर रखिएगा। जब तक ये स्क्रीन पर है बाय ऑन डिप्स इंट्राडे ट्रेडर्स कर सकते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है टिल द टाइम वी आर होल्डिंग 17340 के हम ऊपर की तरफ 17467 और 87 का जोन छुएं। बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं है क्योंकि पॉइंट था स्ट्रेंथ पे फोकस करने का, तो वहां पर सिर्फ मैं फोकस करूंगा शैल जी कोटक महिंद्रा बैंक पे। शैल जी, जो आपने ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग तथ्य अगर आप देखें जो अभी शेयर किया कि भाई दिग्गजों से जरा हट के, आपकी निगाहें कहां कहां पर हैं दिग्गजों से हटकर? वीरेन जी, आपके सामने एक बहुत बढ़िया मैं चार्ट प्रस्तुत करता हूं। आप देखिए कि पहले 5 जो आज आप खिलाड़ी देख रहे हैं फिलहाल मंगलवार के ट्रेड में, आप देखिए जी एंटरटेनमेंट में आपने जो वॉल्यूम देखी है ये लिस्टिंग से अब तक की सबसे ज्यादा आप वॉल्यूम देख रहे हैं, 3700 करोड़ का ट्रांजैक्शन। आईआरसीटीसी रिकॉर्ड हाई आपके सामने, और उसी तरफ अदानी एंटरप्राइजेस आपको बढ़ता हुआ दिखेगा, यहाँ पर वॉल्यूम लगभग 890 करोड़। नौकरी और येस बैंक में भी आप अच्छा ट्रांजैक्शन देख रहे हैं। पांचों के पांचों स्टॉक्स जो हैं आपको निफ्टी में जुड़े हुए नहीं दिख रहे। इनफैक्ट निफ्टी के अगर आप टॉप 3 या 4 स्टॉक्स देखें तो वहां पर वॉल्यूम बहुत ही सबड्यूड है। तो इंडेक्स स्पेसिफिक नहीं, स्टॉक स्पेसिफिक आपको बहुत बढ़िया मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है। और 2 स्टॉक्स वीरेन जी आपकी इजाजत चाहूंगा जो मैं स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं, यहां पर बढ़िया मोमेंटम आपको आता हुआ दिख रहा है एचसीएल टेक में शानदार वॉल्यूम्स के साथ रिकॉर्ड हाई, और साथ ही साथ आपको बहुत बढ़िया मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है एस्कॉर्ट्स में, ये भी आपको रिकॉर्ड हाई की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। दोनों काउंटर्स में वॉल्यूम और प्राइस एक्शन जबरदस्त, 44 लाख शेयर आपने एचसीएल में ट्रैक होते हुए दिखे हैं और 23,60,000 शेयर एस्कॉर्ट्स में, दोनों पर लॉन्ग कॉल्स बनती हुई। वीरेन जी, चलिए तो एस्कॉर्ट सुबह सुबह एग्जैक्टली सीएनबीसी आवाज पे हमने ट्रेड लिया था 10:02 पर, लेवल था 1395 का, 1445 पर आप देखिए अभी ट्रेड करता हुआ। और अब एक काम करते हैं ट्रेड लेना शुरू करते हैं, राहुल शर्मा जी को पहले लेके आइए स्क्रीन पर और उनसे पिक करते हैं उनका ट्रेड फटाफट, आपको 5 कॉल्स देते हैं। राहुल जी नमस्कार, आपका पहला कन्विक्शन ट्रेड जिसको लेकर आप 2 बजे की इस क्लोजिंग को खेलेंगे?
नमस्कार वीरेंद्र जी, देखिए मेरी नजर आज है दीपक नाइट्रेट पर। दीपक नाइट्रेट ने एक लगातार 4-5 दिन के कंसोलिडेशन के बाद आज एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। मुझे लगता है 2410 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर दीपक नाइट्रेट को बाय करके चलना चाहिए। ऊपर में 2500-2550 के टारगेट आते हुए दिखते हैं। ओवरऑल मोमेंटम काफी हाई है, RSI भी काफी सपोर्टिव 80 के ऊपर। मेरे हिसाब से यहाँ पर स्ट्रॉन्ग विल बिकम स्ट्रॉन्गर वाली थीम प्ले करेगी, तो दीपक नाइट्रेट हमारा हाई कन्विक्शन पिक रहेगा 2500-2550 के टारगेट। दीपक नाइट्राइट 2500 के टारगेट के लिए, 2550 के टारगेट के लिए 2410 के स्टॉप लॉस के साथ राहुल जी की कॉल होगी। प्रकाश गावा सर, आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड? वेल, मुझे लगता है मार्केट ऊपर है और हायर क्लोज मिलेगा। अगर आज हायर क्लोज मिलेगा तो कल भी हायर क्लोज मिलेगा। स्टॉक जो मैंने चुना है सेफ्टी मार्जिन है, एम्फेसिस का जो स्टॉक है बढ़िया है, बहुत अच्छा मोमेंटम है। इसका जो टारगेट है 3100 का, हो सकता है आज आ जाए, हो सकता है कल आ जाएगा, लेकिन आएगा जरूर। स्टॉप होगा 3000, एम्फेसिस। चलिए यहां पर अब जोड़ते हैं राजेश पालविया साहब को एक्सिस सिक्योरिटीज से। दो लॉन्ग कॉल्स आती हुई, एक टेक स्पेस से और दूसरी केमिकल स्पेस से। बताइए पालविया साहब, क्या पसंद आ रहा है आपको? गुड आफ्टरनून शैल जी, गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन ऑन पैनल। मुझे फाइनेंशियल सेक्टर से बैंकिंग स्टॉक्स स्पेशली मुझे पसंद आ रहा है, और उसमें मुझे कोटक बैंक यहाँ पे काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। अगर ये स्टॉक का सेटअप देखे तो पिछले 3 वीक से देखे तो स्टॉक में कंटिन्यूटी बनी हुई है तेजी की, और वीकली डेली सेटअप के हिसाब से स्टॉक में ऑलरेडी एक रेंज का ब्रेकआउट कोटक बैंक में ऑलरेडी देखने को मिला है। आज भी करीब 3.5% के आसपास ओपन इंटरेस्ट बढ़ते हुए दिखे। अगर इसका कॉल पुट कॉन्सेंट्रेशन डेटा भी देखें तो कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन अनवाइंड करते हुए दिख रहे हैं लोअर स्ट्राइक में। अगर 1800 से लेकर हम 1860 सारी स्ट्राइक पे देखें तो कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशन वहां अनवाइंड करी, तो ये दिखाता है कि स्टॉक में यहां से हायर साइड का मोमेंटम बढ़ते हुए दिखना चाहिए। 1910 तक के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि पोजिशनल टारगेट हमारे 2000 तक के, लेकिन अभी ट्रेडिंग टारगेट हम 1910 तक के यहां पे सजेस्ट करेंगे। 1855 के स्टॉप लॉस से कोटक बैंक बाय करने की सलाह रहेगी। 1900 के ऊपर आप यहां पर तेजी का रुझान आते हुए देख रहे हैं कोटक बैंक में। फिलहाल 1876 आपके सामने 2% ऊपर। ध्यान दीजिए यहां पर लगभग 1810 से आप एक लॉन्ग कॉल और ऑप्शन ट्रेड ट्रैक कर रहे हैं इस काउंटर पर। स्वागत करते हैं अपने रिसर्च गुरु मयूरेश जोशी साहब का। नमस्कार मयूरेश जी, बताइए कहां नजर? आफ्टरनून वीरू जी, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो हमें लगता है हमारी स्विंग ट्रेडिंग टीम को लगता है कि थोड़ा आई थिंक हॉस्पिटल्स एज अ स्पेस पे ध्यान देना चाहिए। अपोलो ऑब्वियसली समथिंग दैट वी लाइक फंडामेंटली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बट एक स्विंग ट्रेड के हिसाब से हमें लगता है आई थिंक नारायण वगैरह एल NH इस पे थोड़ा फोकस देना चाहिए। ये तिमाही के जो नतीजे थे आई थिंक काफी एनकरेजिंग थे। हालांकि आई थिंक एक सब्सटेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन 24% के आसपास कोविड रेवेन्यूज के रिलेटेड था, बट जनरली आई थिंक रेवेन्यू इंक्रीज हैज बीन क्वाइट रीजनेबल एंड सब्सटेंशियल। 15.5% के जो मार्जिन थे ऑब्वियसली आई थिंक गॉट इम्पैक्टेड अ लिटिल बिट बिकॉज ऑफ कोविड, बट बिकॉज ऑफ द सेकंड वेव और जैसे आई थिंक अनलॉक स्टार्ट हुआ है और जो इलेक्टिव सर्जरीज वापस आएंगी, मुझे लगता है आई थिंक जो टॉप लाइन ग्रोथ है दैट शुड कंटिन्यू वेरी वेरी वेल। क्योंकि आई थिंक इनके जो मेन आई थिंक थेरापेटिक सॉल्यूशंस हैं, कार्डियक हुआ, गैस्ट्रो हुआ, ऑन्कोलॉजी हुआ, वहां पे इलेक्टिव सर्जरीज विल कम बैक इन अ स्ट्रेच ऑफ स्ट्रेंथ। तो दूसरा आई थिंक केमन आइलैंड्स का इनका जो हॉस्पिटल है 100 बेड 110 बेड में से ऑपरेशनल हुए हैं, और जैसे नए क्लिनिक्स खुलेंगे मुझे लगता है इंक्रीमेंटल कॉन्ट्रीब्यूशन कैश फ्लोज को एड करेगा। डेट इक्विटी इज अराउंड 0.36 times, कैश फ्लोज इंप्रूव होने हैं, और ROEs जो कोविड के लिए हिट लिए थे आई थिंक दैट शुड कम बैक रोरिंग इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स और अगले कुछ सालों में भी। तो मुझे लगता है एक पोजिशनल ट्रेड बिल्कुल हो सकता है हफ्ते के हिसाब से। NH शेल सर हमें लगता है आई थिंक फ्रॉम आवर स्विंग टीम कि अच्छा स्विंग शायद ये हफ्ते। मयूरेश जी, क्या मैंने सही सुना है कि नारायण हृदयालय ने केमन आइलैंड में एक हॉस्पिटल सेटअप किया है? बिल्कुल शैल जी, 110 बेड्स का है और 100 बेड्स इनके ऑपरेशनल हो गए हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट इफ यू लुक एट दैट जो नए केपेक्स कर रहे हैं फॉर न्यू क्लिनिक्स इज वेल, आई थिंक दैट कैन ऑल्सो भी इंक्रीमेंटली बेनिफिशियल। क्योंकि आई थिंक जो मेडिकल टूरिज्म होती है शैल सर, नॉट एवरीबडी मैनेजेस टू कम टू इंडिया, सो आई थिंक केमन कैन बिकम अ ह्यूज स्पॉट जहाँ पे मेडिकल टूरिज्म एंड केटरिंग टू अ लॉट ऑफ इकोनॉमी सराउंडिंग दैट, यूरोप हुए या सेंट्रल एशिया। मैंने तो सुना था केमन आइलैंड्स में सिर्फ लॉयर फर्म्स और बैंक्स होते हैं मयूरेश जी, अब आपने वहां पर एक हृदयालय भी खुलवा दिया है, तो उम्मीद करते हैं कि जो लोग वहां पर बढ़िया बढ़िया कंपनीज सेटअप करते हुए आएंगे
वो आपको नारायण हृदयालय से मेडिकल चेकअप भी करते हुए दिखेंगे। चलिए बढ़िया मोमेंटम आपके सामने फिलहाल स्क्रीन पर आता हुआ, और अब जरा बाजार में चर्चा खोलते हैं। वीरेन जी, आपका पसंदीदा काउंटर भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BEL, मेरे ख्याल से ये रिकॉर्ड हाई है आपके सामने, 203.70 के आसपास ये काउंटर दहकता हुआ तेजी में। राहुल शर्मा साहब, ये आपके लिए, बताइए क्या कीजिएगा? जी हाँ, देखिए PSE इंडेक्स में जो मोमेंटम है मार्केट में काफी स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पर मुझे लगता है कि BEL ने एक बहुत ही बढ़िया 4-5 दिन का कंसोलिडेशन देकर यहाँ पर एक फॉलो अप बाइंग देखने को मिली है, तो यहाँ पर बिल्कुल बुलिश रहना चाहिए। मेरे हिसाब से PSE इंडेक्स की जो स्ट्रेंथ है कहीं ना कहीं BEL के चार्ट में दिखा रही है, मेरे हिसाब से मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा ऊपर में 220 तक के लक्ष्य हमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में देखने को मिले, तो इसे बाय करके चलिए। 196 का स्टॉप लॉस यहाँ पर आइडियल रहेगा, और मेरे हिसाब से मोमेंटम जो है एकदम बुल्स के फेवर में है, वॉल्यूम भी काफी जबरदस्त है। आई थिंक यहाँ पर सारे के सारे जो टेक्निकल इंडिकेटर्स है वो सिर्फ और सिर्फ बुलिशनेस दर्शा रहे हैं। जी हाँ, बुल्स के फेवर में है। अगर आप देखें स्थिति, BEL 203.70 ऑल टाइम हाई, याद रखिएगा CNBC आवाज पे। आज हमारे साथ सुबह आपने इसकी ली थी कॉल 200 रुपए की, डॉक्टर साहब प्लीज उसका प्रीमियम लेके आइएगा। कब एग्जिट करना है इसके बारे में हम सोचेंगे, लेकिन याद रखिएगा आपके पॉकेट के अनुसार एक कंफर्टेबल स्टॉप लॉस लेके चलिए। सुबह सुबह 6.20 रुपए अगर आप देखें इस ऑप्शन को हमने पकड़ा था, ये 9.80 रुपए पर ट्रेड कर रहा है एग्जैक्टली, अगर आप देखिए मेरी बुक में लिखा हुआ है। शैल जी, इस वक्त दो स्टॉक्स अभी मोमेंटम देते हुए, BEL और लेट्स ब्रिंग BEML, 1361 मेरे स्क्रीन पे प्राइस है इस वक्त 1361। एक बार राजेश पालवे जी इस स्टॉक को देखिए और क्या खूबसूरत पैटर्न है, और इसमें आई थिंक CY21 की पूरी स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी का एक ब्रेकआउट स्क्रीन पर कहीं ना कहीं वेट कर रहा है। अब 1365 ये स्टॉक क्या करेगा, और इसमें इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से और स्विंग प्रोस्पेक्टिव से आपको ट्रेड नजर आ रहा है क्या? बेहतरीन चार्ट 1367। तो बिल्कुल वीरेन जी, देखिए ये स्टॉक में अगर हम देखें तो पिछले 3 मंथ से स्टॉक एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, और अभी ये जिस जगह प्लेस है ये एक पिछले 3 महीनों के एक रेंज का ब्रेकआउट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है 1380 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, जैसे ही ये स्टॉक में वो ब्रेकआउट होगा तो स्टॉक में फिर 1440 से 1450 तक की अपसाइड यहाँ से खुलती हुई दिखेगी। तो करंट लेवल पे बिल्कुल बाय करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से इसमें कंसोलिडेशन होते हुए दिख रहा है हमें लगता है कि ये सूनर और लेटर तो ये ब्रेकआउट होना ही है। तो करंट लेवल से 1355 ये स्टॉप लॉस से बिल्कुल इसको बाय करें, 1380 उसके ऊपर ये 1440 1460 तक का भी ब्रेकआउट यहाँ से आते हुए दिख सकता है। ये रणनीति आपके सामने हम लोग स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं, दो डिफेंस प्लेयर्स में जो जुड़े हुए हैं सरकार से, और बढ़िया मोमेंटम आप यहां पर ट्रैक कर रहे हैं, खासकर BEL जो अब रिकॉर्ड हाई की तरफ बढ़ता हुआ, और बहुत ही अच्छा स्टॉक आपने पकड़ा वीरेन जी BEML, अब 1380 अच्छी ब्लॉक डील्स यहां पर होती हुई 56 लाख 11 लाख 75 लाख के आसपास। यहां पर कुछ समय से वीरेन जी गैस अथॉरिटी में भी आप अच्छा मोमेंटम देख रहे हैं, 2 दिन पहले यहाँ पर आपको संजीव भसीन साहब जुड़ते हुए दिखे थे और उन्होंने खरीदारी की राय दी थी। राहुल शर्मा जी, जरा देखिए इसका कैंडलस्टिक चार्ट, और क्या बढ़िया यहाँ पर आपको वॉल्यूम और प्राइस बार बनता हुआ दिख रहा है, ये तेजी बढ़ेगी? सर ये BEML में गलत नहीं हो तो गैस अथॉरिटी सर। जी हाँ सर, देखिए जो हिसाब से नेचुरल गैस के प्राइसेस ऊपर गए, पूरा का पूरा जो गैस सेक्टर है उसमें बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिली है, और गेल का जो इंडिविजुअल चार्ट है इसके अंदर आज के दिन एक अच्छा ट्रायंगल ब्रेकआउट देखने को मिला है, जहाँ पर स्टॉक ने 150 का लेवल बहुत ही कंफर्टेबली क्रॉस किया है। मेरे हिसाब से मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा यहाँ पर 162-165 के लेवल्स देखने को मिले। इंट्राडे में तो मोमेंटम बढ़िया है ही, आई थिंक ये मोमेंटम कैरी करेगा, तो मेरे हिसाब से 150 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर लॉन्ग में रहना चाहिए, यहाँ पर अच्छी अपसाइड देखने को मिलेगी। अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो पिछले तकरीबन 10 से 12 दिन के वॉल्यूम्स ये स्टॉक ने आज कंप्लीट कर लिए, तो अच्छा एक वॉल्यूम बेस्ड ब्रेकआउट है। हमने थोड़े दिन पहले कोल इंडिया पे देखा था ऐसा मूव आते हुए, फिर कल के सेशन में PFC में ऐसा मूव देखा, आज हम देख रहे हैं गैस स्टॉक्स में बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, तो डेफिनेटली लॉन्ग में बने रहिए, 150 का स्टॉप लॉस और 165 तक की अपसाइड। गेल अगर आप देखें आपको स्ट्रॉन्ग लगता हुआ डे हाई की डायरेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हुआ, और 154.30 पे इट्स अ बाय फ्रॉम यू, और करीब करीब 5.6% ऊपर यहाँ पर आके ट्रेड कर रहा है। और कुछ स्टॉक्स को देखिए जिनमें काफी अच्छा खासा मूव है। इस बीच एक टेक चेक ले लेते हैं एक फॉलिंग नाइफ पे, और वो है डॉक्टर रेड्डीज, जरा प्लीज लेके आइएगा। याद रखिएगा ये पुल बैक प्रोसेस आज से नहीं, 4442 से 26 अगस्त से कंटिन्यूड थी,
और आज ये अपने लास्ट ड्यू एवरेज से यानी 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से लुढ़का यू टर्न लिया और डेल ऊपर यानी करीब करीब 3937 पर आप देखें ट्रेड करता हुआ, ये एकदम से कोलैप्स हुआ है। पालविया साहब, आपका एक रीजनेबल स्टॉप लॉस क्या होगा इस पर, आपका टेक? ये पुल बैक की प्रोसेस आज एंड हो गई क्या इस लेवल पे आके, या फिर आप कैसे रीड करेंगे इस स्टॉक को? तो वीरेन जी देखिए, पिछले दिनों में जरूर स्टॉक ने एक कोशिश करी थी और जिस तरीके से स्टॉक में पुलबैक देखने को मिला था वो स्टॉक ऑलमोस्ट इसके 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास से आके वापस से इसमें सप्लाई बनते हुए दिख रहा है। हमें लगता है कि इसमें हायर साइड का जो लेवल है इंपॉर्टेंट वो तो बना हुआ है इसका करीब 5000 के आसपास। जब तक ये स्टॉक 5000 के लेवल को क्रॉस नहीं करता है थोड़ा सा इसमें यहाँ पे प्रेशर बनते हुए दिखेगा। लोअर साइड पे हमें लगता है कि जो ये सप्लाई आया है वापस स्टॉक में, एक प्रॉफिट बुकिंग बोल रहे या एक वापस से सप्लाई बनते हुए दिख रहा है वो 4875 ये लेवल है, काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जैसा काम करते हुए दिखना चाहिए। अगर ये 4875 का लेवल टूटता है तो यहाँ से फिर फर्दर और एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है प्रेशर, पर हमें लगता है कि अभी ये 4875 की तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है। तो शॉर्ट का ट्रेड तो इसमें अभी यहाँ पे नहीं इनिशिएट करना चाहिए, वेट करें 4875 का, वहां पे इसको वापस रिव्यू करना चाहिए। ओके, 4875 पर आप देखें तो आप देखेंगे पहले लेवल, लेकिन इस बीच मेरे ख्याल से एक ट्रेड है राहुल जी के पास। राहुल जी एग्जैक्टली ग्रेनुलर्स पे एक व्यू शेयर करना चाहते हैं। राहुल जी आज इस स्टॉक में प्लीज जरा एक बार ग्रेनुलर्स लेके आइएगा, मैं वॉल्यूम्स देख रहा हूँ, वॉल्यूम्स इसके यस ठीक ठाक हैं और आज ये अपनी 200 EMA की ट्रेजेक्ट्री को रिगेन करने की कोशिश करता हुआ, ये एक बहुत टफ अगर आप देखें पुल बैक और एक सीरियस पुल बैक जनरेट करता हुआ। राहुल जी आपकी अप्रोच क्या होगी इस स्टॉक पे और फ्यूचर्स और ऑप्शंस में क्या अप्रोच है आपकी? जी हाँ, देखिए ओवरऑल फार्मा पैक में जो एक तरह से जो सेलिंग थी या वीकनेस थी वो मेरे हिसाब से यहाँ पर पूरी हो गई है। फार्मा इंडेक्स आप देखेंगे तो यहाँ पर रिवर्सल के संकेत है और ग्रैन्यूल्स में आप स्पेसिफिकली देखें तो आज के सेशन में स्टॉक ने एक हायर लो बनाकर यहाँ पर रिवर्सल के संकेत दिए है। मैं यहाँ पर सरप्राइज नहीं होगा, ग्रैन्यूल्स एक तरह से उसकी पुरानी ट्रेजेक्टरी थी तकरीबन यहाँ से 375-380 की वो वहाँ पर वापस रीअटेम्प्ट करे, यहाँ पर हमें ध्यान देना होगा 340 की जो कॉल ऑप्शन है, एक रिवर्सल ट्रेड है, मेरे सबसे ऑप्शंस के थ्रू जाना सबसे बेस्ट रहेगा। 340 का जो कॉल ऑप्शन है तकरीबन 10 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसे 5 रुपए के स्टॉप लॉस से बाई करे और मुझे लगता है कि ये ऑप्शन कंफर्टेबली यहाँ से डबल हो सकता है। तो टेक्निकली मुझे स्टॉक में 370-380 के टारगेट लगते हैं ग्रैन्यूल्स के अंदर, इमीडिएट बेसिस पे 340 के कॉल ऑप्शन में अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी लगती है बाय करने के लिए। 340 की कॉल 10 रुपए 20 पैसे पर ट्रेड कर रही है तो आपने इसको 5 रुपए के स्टॉप लॉस से लेने का एक मत दिया है। ओके, अभी 10 रुपए 5 पैसे पर छोड़ जाते हैं इस ऑप्शन को और कुछ देर बाद इसको आके एक बार फिर से इंक्लूड करेंगे अपने डिस्कशन में। और हमारा अगर आप देखें नारायण से डिस्कशन शुरू हुआ था तो फोर्टिस पीछे क्यों छूट जाए, एक बार जरा फोर्टिस लेके आइए। कैश के स्टॉक्स में अगर आप देखें फोर्टिस इस वक्त 278 डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ, इसमें काफी अच्छा खासा मूव है। और दिग्गजों में ऑटो में टाटा मोटर्स नाउ 306.45 ट्रेड जहां पे मेरे को नजर आ रहा है मैं वहां पे जा रहा हूं। और पालवी साहब टाटा मोटर्स 306.45 कल क्लोजिंग में हमने इसको बहुत डिस्कशन किया था इस स्टॉक पे, इसने बहुत बढ़िया क्लोजिंग दी थी अगर आप देखें और सारे एवरेजेस के ऊपर क्लोज हुआ था पोस्ट 7 जुलाई, सारे एवरेजेस के ऊपर क्लोज हुआ, आपकी अप्रोच क्या रहेगी इस वक्त इस स्टॉक पे? बिल्कुल वीरेन जी, बुलिश व्यू ही है स्टॉक पे और जिस तरीके से स्टॉक में रिकवरी देखने को मिली लोअर साइड पे, स्टॉक ने इसका एक मल्टीपल सपोर्ट जोन था वहीं से वापस से इस बार वापस से स्टॉक में जो रिकवरी बनी है और अब 300 के ऊपर कंफर्टेबली स्टॉक ट्रेड कर रहा है, हमें लगता है स्टॉक में यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। 315 से 320 तक के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें पोजिशनल बेसिस पे। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लगता है यहाँ से 310 तक का यहाँ से अपमूव ड्यूरिंग द डे भी आते हुए दिख सकता है, तो करंट लेवल से 301 के स्टॉप लॉस से स्टॉक को बाय करने की सलाह रहेगी। ये पोजिशनल स्टॉप लॉस के तौर पर भी इसको फॉलो किया जा सकता है और इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से भी यही स्टॉप लॉस से बाय करें। 310 पहले टारगेट होंगे लेकिन पोजिशनली हम एक्सपेक्ट करें 320 तक के ये टारगेट इसमें आते हुए दिखेंगे। चलिए, ये रणनीति टाटा मोटर्स पर आती हुई। वीरेन जी, हम लोगों को एस्कॉर्ट्स पर ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पर ऑलमोस्ट आपको एक ब्रेकआउट ड्यू दिख रहा है, 1448 का प्राइस है और हम लोग जो ऑल टाइम हाई ट्रैक कर रहे हैं वो है लगभग 1468 जो आपने आती हुई देखी फरवरी के महीने में,
ये एक ब्रेकआउट बहुत शानदार होगा अगर होता हुआ आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। और क्यों होगा, आपको वॉल्यूम साथ देता हुआ दिख रहा है, 25 लाख शेयर ट्रेड हो चुके हैं। राहुल शर्मा साहब, ये कॉल आपके लिए है। कोई अच्छा ऑप्शन ट्रेड आपको लगता हो जो आपको काम करता हुआ दिखे, कोई ऐसी कॉल जो फिलहाल कम प्रीमियम में ट्रेड करती हो, इन द मनी या आउट ऑफ द मनी? जी माफ कीजिएगा, कौन सा स्टॉक आपकी ऑडियो में दिक्कत है? जी एस्कॉर्ट्स। जी शैल जी, देखिए एस्कॉर्ट्स में जो टेक्निकल सेटअप है वो बुलिश है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर मोमेंटम बुल्स के एकदम फेवर में है, तो मेरे हिसाब से इस मोमेंटम को राइड करिएगा। देखिए इसमें ऑप्शंस से अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर 1480 के जो कॉल ऑप्शंस है तकरीबन 37 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। आई थिंक यहाँ पर एक मोमेंटम ट्रेड लिया जा सकता है, इसे बाय करके चले 30 रुपीज के स्टॉप लॉस से। और मुझे लगता है कि स्टॉप एक बार 1500 का अटेम्प्ट जरूर करेगा ये वाली मूव में। स्टॉप ने अपना प्रीवियस रेजिस्टेंस जो था तकरीबन 1450 के आसपास उसे निकाला है, तो यहाँ पर मैं 30 रुपए के स्टॉप लॉस से 1480 का कॉल ऑप्शन रेकमेंड करना चाहूंगा। ऊपर मुझे लगता है कि 50 और 55 रुपए तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं इस मोमेंटम में। चलिए ये रणनीति आपके सामने स्कॉट्स पर आती हुई, और कम से कम कैश बढ़ता हुआ 1456 और फ्यूचर्स में आप स्कॉट्स का जो प्राइस देख रहे हैं वो है 1461, ऑल टाइम हाई जो कैश में लगा वो है 1468। देखते हैं किस हिसाब से आपको मूव आता हुआ दिख रहा है, अभी 2:20 ही स्क्रीन पर। अच्छा मोमेंटम आप देख रहे हैं फिलहाल BHEL में भी, और कौन बेहतर इंसान वीरेन जी से और राहुल शर्मा साहब से कि ये काउंटर डिस्कस करें। वीरेन जी, ओवर टू यू। चलिए राहुल जी, BHEL की कमान शैलजी ने मेरे को सौंप दी है 5780, और आज ही आपका एक बड़ा अच्छा नोट भी आया था इस स्टॉक पे। इसकी पुल बैक प्रोसेस पे हमने भी आपने भी फोकस किया एग्जैक्टली एट 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 53 पर, और जैसा कि कल टाटा मोटर्स ने किया था एग्जैक्टली 57.75 रुपए पे जब शैल जी ने इसको छेड़ा है। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है राहुल जी, अगर आप एक्सपोनेंशियल यूज करते हैं तो आप समझ लीजिए कि 57.80 पे दो एवरेजेस फ्लोट हो रहे हैं। यहाँ पर 57.80 पे आपका 100 भी है 50 पे, क्या ये एक बड़े बेस से बड़ा मूव देने के संकेत हैं क्या? जी वीरेंद्र जी, देखिए सबसे पहले शैल जी को धन्यवाद, वो स्टॉक्स के साथ रिकमेंडेशन किसने दिया ये भी बेखूबी याद रखते हैं। देखिए BHEL में हमने तकरीबन 1-10 दिन पहले 53.50 के आसपास यहाँ पर संकेत दिया था कि भाई स्टॉक में रिवर्सल हो रहा है और यहाँ पर बहुत ही अच्छी संभावना है कि स्टॉक अपने 70-75 के लेवल रीगेन करे। देखिए आज के सेशन में क्या हुआ है कि स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक ने अपनी 50 दिन की मूविंग एवरेज निकाली है। 50 दिन की मूविंग एवरेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमने बुल मार्केट में देखा है कि जब जब स्टॉक्स ने 50 दिन की मूविंग एवरेज से क्रॉसओवर या रिवर्सल दिया है मोमेंटम काफी अच्छा मिला है। यहाँ पर मुझे लगता है कि जगह खुल गई है, जो 70-75 का टारगेट है उसकी जगह खुल गई है। जिन्होंने ट्रेड 53.50 में लिया था 10 दिन पहले वो ट्रेड में बने रहे, स्टॉप लॉस ट्रेल कर ले कॉस्ट के ऊपर, और जिनको फ्रेश बाय करना है मेरे हिसाब से 53.50 के ही स्टॉप लॉस से फ्रेश बाय करके चल सकते हैं। यहाँ पर पोजिशनली मुझे लगता है कि और अपसाइड आने को है। ये आज पहला दिन है जब स्टॉक ने 4-5 दिन के कंसोलिडेशन के बाद आज एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम बेस्ड मूवमेंट दिया है। फ्यूचर्स में भी लॉन्ग पोजीशन ऐड हुए हैं, यानी कि डेरिवेटिव्स में भी यहाँ पर पार्टिसिपेशन है, और ऑप्शंस चेन के हिसाब से भी मेरे हिसाब से यहाँ पर जगह खुल रही है 60 का लेवल क्रॉस होने के लिए। तो डेफिनेटली लॉन्ग में बने रहे, कोई डाउट नहीं है इस स्टॉक के अंदर, मेरे हिसाब से 70 का लेवल बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। चलिए आपके सामने फिलहाल निफ्टी ऑलमोस्ट 17400 के आसपास ट्रेड करता हुआ और 188 अंक का लाल हरा निशान आपके सामने फिलहाल बैंक निफ्टी पर है 36660 के आसपास। कैबिनेट आपको कल जुड़ता हुआ दिखेगा दिल्ली में, और वहां के गलियारों से आपको बढ़िया खबरें आती हुई दिख रही हैं, कम से कम कुछ खबरों के लिए जो कि ऑटो क्षेत्र में बढ़िया आपको मूव लाते हुए दिखेंगे। जोड़ते हैं लक्ष्मण रॉय साहब को, और क्या एजेंडा हो सकता है कल के लिए वो आपको डिस्कस करते हुए दिखेंगे आज। लक्ष्मण जी स्वागत है आपका, बताइए क्या लगता है? देखिए कल दरअसल 11 बजे कैबिनेट और CCI की बैठक होने वाली है, और इस बैठक में बहुत हद तक संभावना है कि ऑटो सेक्टर के लिए और ऑटो कंपोनेंट के लिए जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का बहुत लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है वो इंतजार खत्म हो और कल कैबिनेट की बैठक में इस पर चर्चा होने की संभावना है। ये जो ऑटो सेक्टर के लिए PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का ऐलान किया जाएगा, उसकी खास बात यह है कि इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल पर खास जोर दिया जाएगा और इसमें करीब 27,000 करोड़ रुपये सरकार शुरू में आवंटन
करेगी, और आगे चलकर अगर इसमें और ज्यादा दिलचस्पी दिखती है कंपनियों की तो फिर सरकार यहाँ पे अपने आवंटन को बढ़ा सकती है। और ये जो है 2 से करीब 12% तक इंसेंटिव देने का प्रस्ताव है, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आप साल दर साल कितना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, साल दर साल कितना एक्सपोर्ट करते हैं। बता दूं कि ये दरअसल भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के ऊपर ये इंसेंटिव दिया जाएगा, और साथ ही साथ ड्रोन के लिए भी पीएलआई स्कीम को भी मंजूरी मिलने की संभावना है। चलिए, तो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग पर काफी चर्चा हम लोग पिछले 5-1 दिनों से तो कर ही रहे हैं, लेकिन ये एक खबर आती हुई जो आपको ऑटो एंसिलरीज और खासकर उन कंपनीज पर जुड़ती हुई दिखेगी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल से या तो जुड़े हुए हैं या उनके एंसिलरीज बनाते हैं। ग्रीव्स कॉटन आपके सामने चल रहा है, भारत फोर्ज, मदरसन सुमी, ये सारे काउंटर्स दिन के उच्चतम लेवल पर चलते हुए दिख रहे हैं। लक्ष्मण जी, आप जुड़े रहिए, जरा यहाँ पर अब राय लेते हैं मयूरेश जोशी साहब से। मयूरेश जी, कुछ टिप्पणी आप करना चाहेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस पर, पीएलआई स्कीम ऑटो सेक्टर के लिए जो अति आवश्यक है वो आती हुई? बिल्कुल, आई थिंक नीड ऑफ द आवर है, और आई थिंक एक पूरी जो सप्लाई चेन हम देख रहे हैं अलोंग विद मैन्युफैक्चरिंग, आई थिंक व्हीकल्स तो होंगी, इनकी बैटरीज होंगी लिथियम आयन वाली, और अच्छी जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा वो, तो आई थिंक ये पूरी जो वैल्यू चेन है, ये पूरी वैल्यू चेन फोकस में रहेगी ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स एंड नेक्स्ट फ्यू इयर्स। हैविंग सेड दैट, आई थिंक जो ट्रांजिशन आएगा, आई थिंक ऑटो एंसिलरीज और इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस, आई थिंक इस पे पहला आई थिंक फोकस रखना चाहिए। विद इन आई थिंक द ऑटो एंसिलरी पैक आपने काफी नाम लिया, आई थिंक ग्रीव्स कॉटन एक्सेट्रा, बट मिंडा इंडस्ट्रीज पे भी ध्यान रखना चाहिए। मुझे लगता है आई थिंक उसका जो 21 DMI है शेल सर 711-712 के आसपास, अगर ये क्रॉस करते हैं यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है बहुत अच्छे से, अगर ये क्रॉस कर लेता है ब्रेकआउट देता है यहाँ से, तो आई थिंक बहुत अच्छा मोमेंटम हो सकता है। फंडामेंटली आई थिंक जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं ये फॉर द ईवी स्पेस इटसेल्फ, इनकी जो यूनिमिंडा के साथ जेवी का करार है, एंड द एक्सपेक्टेशंस इन टर्म्स ऑफ कैश फ्लोज एंड आरओईज विद अ वेरी वेरी सुपीरियर बैलेंस शीट, बहुत कम डेट है बुक्स पे और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस बहुत जबरदस्त है, आई थिंक ये एक स्टॉक आप बिल्कुल जहन में रख सकते हैं। एट द सेम टाइम आई थिंक जब इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करते हैं फॉर ईवी एज अ स्पेस टुगेदर, टाटा पावर को भूलना नहीं चाहिए। आई थिंक जो इनिशिएटिव्स ये ले रहे हैं इन द कोर बिजनेस, जो डीलेवरेज कर रहे हैं बैलेंस शीट एंड ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो ये खर्चा करेंगे ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स, जो ऑलरेडी इनके टाई अप्स है विद HPCL एंड द प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ बिल्डिंग मोर, मुझे लगता है आई थिंक स्पेस बहुत इंटरेस्टिंग है, सनशाइन स्पेस है, तो आई थिंक ये दो स्टॉक्स पे मैं खास फोकस रखूंगा फ्रॉम ईवी इकोसिस्टम। ये तो तीन काउंटर्स आपको पसंद आते हुए दिखते हैं, ग्रीव्स कॉटन, टाटा पावर और खासकर आपके सामने मिंडा इंडस्ट्रीज। चंदन बाकी जी, राहुल शर्मा साहब को जोड़ते हैं। राहुल जी, सबसे पहली नजर आप डालिए ग्रीव्स कॉटन पर, 143.50 पर ये स्टॉक दिन के उच्चतम लेवल पर आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। लक्ष्मण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थोड़ी देर में हम दोबारा उनसे जुड़ेंगे। 144 अब। जी शैल जी, देखिए ये स्टॉक का चार्ट देखकर मुझे वो कहावत याद आती है कि तूफान के पहले की शांति है। स्टॉक का जो यहाँ पर सेटअप है काफी कंफर्टिंग है, स्टॉक ने एक तरह से हायर लो का सेटअप जस्ट इनिशिएट किया है, और 50 दिन का जो मूविंग एवरेज है बहुत ही निकट 145 पर है, तो यहाँ पर मैं सरप्राइज नहीं हुआ कि स्टॉक यहाँ पर आपको एक अच्छा ब्रेकआउट ट्रेड, रिवर्सल ट्रेड जिसको बोले, कि यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम ट्रेड देखने को मिल सकता है, जहाँ पर 155-160 तक के एक इमीडिएट लक्ष्य ग्रीव्स कॉटन में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर लास्ट 3-4 दिन से लगातार हायर लो का सेटअप हो रहा है, ये भी काफी कंफर्टिंग है मेरे हिसाब से। यहाँ पर 140 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन ली जा सकती है, और आई थिंक बात करते करते स्टॉक ने अपने 50 दिन के मूविंग एवरेज को भी क्रॉस कर दिया है, तो 155-160 के स्टॉप लॉस के टारगेट के लिए बाय कीजिए, 140 का स्टॉप लॉस रहेगा ग्रीव्स कॉटन में। डायरेक्टर साहब आपके सामने एक बहुत बढ़िया स्टैक बनाएंगे, कौन कौन से स्टॉक्स जो बढ़िया मोमेंटम में आपको आते हुए दिख रहे हैं, 4% ऊपर फिलहाल सारे अपने मूविंग एवरेजेस के निकलता हुआ ग्रीव्स कॉटन। चंदन तपड़िया साहब का स्वागत करते हैं और वीरेन जी को भी इस कॉन्वर्सेशन में जोड़ते हैं। वीरेन जी, अब ग्रीव्स चलता हुआ 147.30, 40 लाख, 21 लाख, 14 लाख, यहाँ पर बढ़िया मोमेंटम में ये स्टॉक आपके सामने। जी हाँ, ग्रीव्स कॉटन शैल जी, अगर आप देखें कल के वॉल्यूम्स का और टोटल वॉल्यूम्स का अगर आप देखें, लगभग 140% वॉल्यूम, यानी कि अगर 10 शेयर कल ट्रेड हुए थे तो अब तक ऑलमोस्ट 140 शेयर ट्रेड यहाँ पे हो चुके हैं। चंदन दापड़िया जी, इस खबर पे अगर आप देखें ऑटो पे हम फोकस करते हुए, पूरा का पूरा ऑटो इंसुलेट स्पेस अगर आप देखें इस वक्त वाइब्रेंट मोड में है, 147.65 सारे एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करता हुआ। ये ग्रीव्स का अब एक जो नया सप्लाई जोन या फिर टसल जोन है वो 156 तक आता है,
आपको क्या लगता है, मीन 156 तक की यहां पर राइट पॉसिबल लग रही है इस स्टॉक में, इस स्विंग में? वीरू देखिए, हमारा क्लीन एनर्जी स्पेस पे काफी एक पॉजिटिव रुझान है और फंडामेंटली काफी एक बुलिश व्यू है। ग्रेस्कोडिन काफी अच्छा काउंटर, और जिस हिसाब से रिसेंट के हाई से ये डिप बना के और इतने दिनों का कंसोलिडेशन दे रहा है, यहाँ पे अच्छा मूव बनेगा। सही मायने में पूछे तो इस काउंटर में इतनी ताकत है कि 25-30% की अपसाइड दिखा दे, बट टेक्निकल लेवल्स और सेटअप की बात करें तो इसने लगभग पिछले 18-20 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद में 145 के लेवल को डिसाइसिवली आज पार किया है। 25 लाख का वॉल्यूम है, 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यहाँ पे होल्ड कर रहा है, और वीकली चार्ट पे अब ये हाई टॉप हायर बॉटम के सीक्वेंस बनने लग गए, तो मेरे हिसाब से अब ब्रेकआउट साइज ये कारगर सिद्ध होगा। हल्का सा फॉलोअप चाहिए काउंटर को एक बड़े मूव के लिए, तो 143 के स्टॉप लॉस से खरीदना चाहिए, 155-157 इमीडिएट बेसिस पे, और लगभग 182 पोजिशनल बेसिस पे आपको ग्रीव्स कॉटन में मिलने चाहिए। जी हाँ, ग्रीव्स कॉटन आपकी स्क्रीन पर आप देखिए अच्छा करता हुआ, और इस वक्त आप ये मानिए जो 4-5 ट्रेड्स हमने पिक किए थे वो बहुत अच्छा करते हुए, एक तो ऑटो पीएलआई पर कैबिनेट जो कल है, उसके बाद इन सभी स्टॉक्स में ग्रीव्स कॉटन मिंडा पे मदरसन सुमी में अच्छा मूव आता हुआ। अभी कुछ देर पहले राहुल जी ने ग्रेनुलर्स की कॉल ली थी, मैं आपको एक ट्रेड अपडेट दे देता हूँ यहाँ पर, वो अब आई गई है डे हाई पर, 9.80 रुपये की वो कॉल 12.5 रुपये के ऊपर आ चुकी है। BEL ML हमने 1367 पे पिक किया था, 1400 का हाई लगा के आ चुका है, तो कुछ ट्रेड्स जो कि आप कमाई का अड्डा में ट्रेड कर रहे हैं वो अच्छा स्विंग देते हुए 335-355। ये पालवे साहब ये ऑटो पे ही रहते हैं, लुक एट अशोक लेलैंड, इस वक्त का मोमेंटम देखिए, वॉल्यूम्स देखिए और प्राइस बिहेवियर देखिए, आज का वॉल्यूम भी अच्छा है और आज सारे एवरेजेस के ऊपर फ्लोट करता हुआ। प्लीज जरा एक बार इसकी 130 की कॉल लेके आइएगा, ये छोटा सा जो एक कंसोलिडेशन जोन है इस क्लस्टर में, इसके ऊपर निकलने के बाद आपको 130 की पॉसिबिलिटी कितनी लगती है? 125-15 हाई पर है और 130 की कॉल का प्रीमियम मेरे को प्लीज सूचित कीजिएगा कितने पे ट्रेड कर रहा है, कैसे अप्रोच करेंगे आप इस ट्रेड को और इस कॉल ऑप्शन पे आपका टेक? अभी मेरे पास टाइम वैल्यू पूरे जमाने की है। तो बिल्कुल देखिए, सभी ऑटोमोबाइल स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिख रहा है, और अशोक लीलैंड का सेटअप भी अगर हम देखें तो 120 के आसपास इसने एक अच्छा बेस बनाया हुआ, वीकली चार्ट पे भी अगर इसको एनालाइज करें तो करीब मल्टीपल वीक से ये स्टॉक उसके नीचे कभी भी क्लोजिंग बेसिस पे गया नहीं है, तो 120 तो इसके लिए अच्छा सपोर्ट बना, और अब जो पुल बैक बना है वो ये दिखाता है कि 126-127 ये रेंज को जैसे ही क्रॉस करेगा तो स्टॉक में जो जगह बनेगी 135-140 तक की भी अपसाइड यहाँ से खुलती हुई दिखेगी। 130 की कॉल ऑप्शन जो कि करीब 3 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है, इस तरीके के स्टॉक में बिल्कुल हम वो कॉल ऑप्शन को 130 की कॉल ऑप्शन को लेकर थोड़ा सा पोजिशनली ट्रेड प्ले करें तो काफी अच्छे रिटर्न यहाँ से बनते हुए दिखेंगे। 3 रुपए में वो कॉल ऑप्शन बाय करें, 2 रुपए का स्टॉप लॉस रखें, और टारगेट जो आना चाहिए करीब आना चाहिए इसमें फिर 6.5-7 रुपए तक के अपसाइड यहाँ से उस कॉल ऑप्शन में बनती हुई दिख सकती, लेकिन इसको थोड़ा सा पोजिशनली होल्ड करना पड़ेगा, 1-2 दिन का समय देना पड़ेगा। 126-127 की रेंज क्रॉस होते से अच्छा मूव यहाँ पे इसमें शार्प अप मूव बनने के पूरे पूरे चांसेस है। ये रणनीति आपके सामने अशोक लेलैंड पर आती हुई, कमर्शियल व्हीकल स्पेस में टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड दोनों आज तेजी में आपको चहकते हुए दिख रहे हैं। अब डॉक्टर साहब जोड़िए वापस लक्ष्मण जी को और स्क्रीन पर प्रस्तुत कीजिए कैंडलस्टिक फॉर्मेट में जेन टेक्नोलॉजीज का काउंटर। लक्ष्मण जी, खबरों का बाजार जेन टेक्नोलॉजीज और ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए पिछले समझिए 2 हफ्तों से बहुत गर्म है। अब बताइए क्या खबरें आपको आती हुई दिख सकती हैं कल कैबिनेट में इस छोटे से डिफेंस बट बहुत ही अहम मुद्दे पे? देखिए, दरअसल अब तक ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर सरकार ने उसकी पॉलिसी बनाई, उसके नियम शर्तों में ढील दिया है, लेकिन अब सरकार चाहती है कि उसमें इन्वेस्टमेंट बड़े पैमाने पर आए, तो पीएलआई स्कीम जो 10 सेक्टर के लिए सरकार ने घोषित की थी उसमें खास तौर से विशेष तौर से ड्रोन के लिए कोई जगह नहीं रखी गई थी, लेकिन सूत्र मुझे बता रहे हैं कि अब ड्रोन के लिए अलग से पीएलआई स्कीम के तहत आवंटन किया जा रहा है और विमानन मंत्रालय ने इसके लिए प्रस्ताव भी कैबिनेट के पास भेज दिया है, और बहुत हद तक संभावना है कि कल जब कैबिनेट की बैठक होगी तो इस ड्रोन के लिए पीएलआई स्कीम को मंजूरी मिलते हुए दिखेगी। ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ड्रोन के जो इक्विपमेंट है उनको बनाने वाली कंपनियों के लिए सरकार पीएलआई स्कीम यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम देने का ऐलान कर सकती है। यह संभावना इसीलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि अभी तक औपचारिक एजेंडा आना बाकी है, लेकिन मंत्रालय स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई है कि कैबिनेट से जैसे हरी झंडी मिले तो कैसे इसका पूरे तरह से बातों को आगे बढ़ाना है, होमवर्क करके रखा गया है, तो बहुत हद तक संभावना है कल आपको इस दोनों पीएलआई स्कीम पर अंतिम मोहर लगते हुए दिखे।
चलिए लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर को अगर आप देखें तो समझाने के लिए, बताने के लिए। और आपकी स्क्रीन पर आप देखिए बदस्तूर ज़ेनटेक आज 5% के अपर फ्रीज पर है। यह अपर फ्रीज का जो क्रम था वो 1 सितंबर को शुरू हुआ था और आप समझ लीजिए कि अब तक आधा महीना गुजर चुका है, कायम है 26.10 पे, 226.10 पे। ऑटो इस वक्त आप देखिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, अच्छा करता हुआ आपकी स्क्रीन पे। अभी कुछ देर पहले वो हमने 3 रुपए में कॉल ली थी, वो 3.20 रुपए हो गई। अशोक लेलैंड एट डे हाई, मूव आता हुआ ऑटो में, ऑटो एंसिलरी स्पेस में। और जरा BEML का चार्ट लिख आइए प्लीज एक बार। ये हो गया है, आप समझ लीजिए कि क्लोजिंग में ही आपके स्क्रीन पर अब 1403। क्या गजब का स्विंग दिया स्टॉक ने। हमारे साथ एक्सिस सिक्योरिटीज के कोटेक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ रचना वैद्य जी हमारे साथ हैं। इनके पहले ट्रेड्स को समझते हैं। आपकी श्रीकांत इस वक्त स्टॉक स्पेसिफिक कॉल क्या होगी? गुड आफ्टरनून नीरेंद्र। देखिए वैसे मार्केट में मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन जारी रहेगा और जहां पे तेजी बन रही है तो जिस सेक्टर में बाइंग इंटरेस्ट दिख रहा है वहां पे मुझे लगता है कि और बाइंग बन सकता है, क्योंकि मार्केट में ओवरऑल जो ब्रॉडर पैटर्न है वो बुलिश है। और इसी वजह से लगता है, जैसे भी आपने जिक्र किया कि कुछ PSU स्टॉक्स है कि जहां पे डाइवेस्टमेंट की पॉसिबिलिटीज है और साथ ही साथ कुछ ऑटो कंपनीज है स्पेशली कमर्शियल व्हीकल्स, वहां पे तेजी बन सकती है। तो मुझे लगता है कि टाटा मोटर्स एक ऐसा स्टॉक है जिसे हम करंट लेवल से लॉन्ग करके चल सकते हैं। 305-306 के करीब काफी बड़ा एक रेजिस्टेंस था इसे, अभी करंट लेवल पे अगर आप देखें तो उसी लेवल के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, तो करंट लेवल से इसे लॉन्ग किया जा सकता है। टारगेट्स रहेंगे 315 और 320 के, और यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे तकरीबन 297। चलिए लंबी अवधि का चार्ट अगर आप टाटा मोटर्स में देखें तो लगभग समझिए जो लेवल्स 13 अगस्त को आपको आते हुए दिखे थे वो अब 14 सितंबर के आसपास आप ट्रेड करते हुए देख सकते हैं, यानी कि एक महीने के उच्चतम लेवल पर स्क्रीन पर। जो खबरें आपने लक्ष्मण जी की तरफ से ऑटो एंसिलरीज और PLI स्कीम में चलती हुई दिखी, अब आपके सामने जय भारत मारुति दिन के उच्चतम लेवल पर 193 और खासकर JBM ऑटो 494 पर बढ़िया मूव देता हुआ दिखेगा। कोई खास वॉल्यूम नहीं है लेकिन प्राइस एक्शन आपके सामने फिलहाल JBM टीम्स में आता हुआ, 488 JBM ऑटो और जय भारत मारुति 195.75 स्क्रीन पर आपके सामने। चलिए बिल्कुल सही मौका रचना जी का स्वागत करते हैं। फिलहाल बाजार में मोमेंटम आपको थोड़ा सा शिथिल होता हुआ दिख रहा है लेकिन रचना जी आपके सामने प्रस्तुत करेंगी एक शानदार कॉल। गुड आफ्टरनून, एंड मेरा ये मानना है कि निफ्टी जो बेसिकली साइडवाइज रेंजिंग मार्केट में है बहुत दिनों से, करीब करीब 5-6 दिनों से, तो वो आज अपर बाउंड्री से रिटर्न होके डाउन साइड पे जा रही है, तो देर आर चांसेस कि वो अब लोअर बाउंड्री जो है उसके जोन की उसको विजिट कर सकती है 1-2 दिन के अंदर अंदर। तो वो लोअर बाउंड्री उसको 17,280 की तरफ लेके जा सकती है, एंड ट्रेंड खराब उससे भी नहीं होगा लेकिन हमको ये डाउन स्विंग के ऊपर नजर रखनी चाहिए। एंड इस कुछ काउंटर्स है भी जैसे HDFC वगैरह जिसमें ICICI बैंक वगैरह जिसमें काफी वीकनेस भी नजर आ रही है, तो मैं अभी के लिए रहूंगी तो लॉन्ग साइड पे, पर सेफर नाम में मैं ओरो फार्मा सिलेक्ट करूंगी। थोड़े दिन पहले भी ओरो फार्मा पे हमने बात करी थी कि अब इसने शायद बॉटम बना लिया है और उस दिन से ऊपर जाया जा रहा है, आज उसने एक इम्पोर्टेंट ट्रेंड लाइन में से ब्रेकआउट देने की कोशिश करी है और मेरा ये मानना है कि अब अगर ये क्लोजिंग बेसिस पे 737 को होल्ड करेगा फ्यूचर्स पे तो ऊपर वाली साइड पे ये 750 और 760 की तरफ ओवर मल्टीपल डेज जा सकता है। बिल्कुल, हम लोगों ने मेरे ख्याल से 711-712 पर वो रिवर्सल ट्रेड ऑरोबिंदो फार्मा में पकड़ा था और बाजार डिफेंसिव क्षेत्र में आपको फार्मा में पैसा लगाता हुआ दिखेगा 2.5% ओपन इंटरेस्ट के साथ और बढ़िया फ्यूचर्स में वॉल्यूम्स के साथ ओरो फार्मा आपको 1% ऊपर मूव करता हुआ दिख रहा है। दिन का उच्चतम लेवल अब एस्कॉर्ट्स में आता हुआ, ध्यान दीजिए कैश में 1458 आपके सामने स्क्रीन पर है और 1466 का हम ऑल टाइम हाई यहाँ पर ट्रैक करते हुए दिख रहे हैं। रचना जी, आज आप सुबह के सत्र में हमारे साथ नहीं जुड़ी कमाई के अड्डे में मुनाफे की तैयारी में और बहुत ही बढ़िया चार लाइनें वीरेन जी ने कही थी जो आपके लिए रिपीट करवाते जी। आज की चार लाइनों में शैल जी उत्साह भी था और कुछ मायूसी भी थी और कुछ स्टॉक्स जो कि इंडेक्स के लिए बहुत जरूरी हैं वो भी थे और कुछ जो ऑल टाइम हाई पे हैं वो भी थे।
और एक था कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए और आपका अगर आप देखें तो इस पे बाजार में क्रक्स क्या है, वो उस फैक्टर पे मैंने फोकस किया था। अर्ज करता हूँ गौर फरमाइएगा कि रेंज ये मेंटेन्ड है कि रेंज ये टूटे दायरे से पीछा छूटे, रेंज ये टूटे दायरे से पीछा छूटे, निफ्टी बैंक तुम क्यों रहते हो रूठे रूठे, कोटक ने फिर आस जगाई, केमिकल में फिर रंगत छाई, मंगल है फिर रखिए याद, मंगल है फिर रखिए याद, लगता है फिर बनेगी बात, एसएल को बस रखिए याद, एसएल को बस रखिए याद। शैल जी वेरी नाइस वीरू जी, आप तो यू नो यू आर आल्सो मेकिंग हायर हाइज एंड हायर लोस इन टर्म्स ऑफ, आप खुद अपने अप ट्रेंड में है और बहुत बुलिश ट्रेंड है आपका और आपकी शायरी का, तो हमको तो ये नए नए हाइज देखने में बहुत ही मजा आ रहा है। आई एम टेलिंग यू रियली दिस इज वन ऑफ द बेस्ट आज की, तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया राइमिंग एंड एवरीथिंग इज वेरी नाइस। रचना जी सुबह आपको बड़ा मिस किया गया इस शायरी में, और देखिए कोटक बैंक में भी ये शायरी सुनी और बहुत बढ़िया मोमेंटम आप कोटक बैंक में आते हुए दिख रहे हैं। केमिकल में ऐसा तड़का लगा इस शायरी का कि आप रिकॉर्ड हाइज एसआरएफ पर देखते हुए दिखे। दीपक नाइट्राइट में तो देखिए यहाँ पर राहुल शर्मा साहब ने एक लॉन्ग कॉल भी दे दी, तो बढ़िया मोमेंटम हम लोग ट्रैक करते हुए देखते हैं वीरेंद्र जी की शायरी में। देखिए पता नहीं कहाँ से ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम और न जाने कौन कौन से अल्फा बीटा गामा हैं जो इनकी बातें सुनते हैं, और बढ़िया मूव आपको आता हुआ दिख रहा है। बातों बातों में औरोबिंदो फार्मा जो थोड़ी देर पहले रचना जी ने आपको एक कॉल के रूप में प्रस्तुत किया था, दिन के उच्चतम लेवल पर चलता हुआ 444.90 और एस्कॉर्ट्स। वीरेंद्र जी मैं आपको बता रहा हूँ आज एस्कॉर्ट्स आपको दिखा देगा 1466-1468, बढ़िया मूव आपके सामने आता हुआ। और अब जो आप वॉल्यूम देख रहे हैं 2,20,000 और 1,13,00,000 का सिंगल ट्रांजैक्शन आपको होता हुआ दिख रहा है ब्रेकआउट इमिनेंट एस्कॉर्ट्स पर। वीरेंद्र जी एस्कॉर्ट्स डे हाई पर है और अच्छी बात है कि हमारे व्यूअर्स के पास अगर आप देखें ट्रेड सुबह भी था अभी भी था, अभी शैलजी ने फिर पकड़ा था और उसके बाद अगर आप देखें तो फिर इसमें एक सब्सटेंशियल मूव आया 1462 नाउ। और मैं अगर सही हूं तो शैल जी ये मेरे ख्याल से मैं थोड़ा सा और सही होकर एक बार ये बात करना चाहूंगा, ये कैंडल मेरे ख्याल से इसकी समझ लीजिए कि सितंबर 2020 के बाद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडल है। इस कैंडल के साथ ये स्टॉक अपनी पूरी की पूरी ट्रेजेक्ट्री चेंज करता हुआ और 1460 पे आई थिंक यस ये ऑल टाइम हाई पर है। पालवे साहब एक कमेंट ऐड कर दीजिएगा 1460 पर, 1461 पर somebody who is holding long, अब अप्रोच क्या होनी चाहिए, ट्रेडिंग स्टॉप लॉसेस कहां पे ले आए, और अभी भी अगर आपके पास कोई कॉल लेने की पोटेंशियल है तो वो कौन सी स्ट्राइक होगी एस्कॉर्ट्स पे। तो बिल्कुल वीरेंद्र जी इसका वीकली चार्ट देखें तो फरवरी के बाद से जो करेक्शन हुआ था उसमें एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बनके वीकली चार्ट पे अब ये ब्रेकआउट करते हुए दिख रहा है। तो ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो 6 महीने के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे होते हुए दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि अब यहाँ से स्टॉक में ऑलमोस्ट 2 क्वार्टर के जितने भी पेन थे वो कहीं ना कहीं निकलते हुए दिख रहे हैं। अब ये स्टॉक में यहाँ से एक नया हाई लगते हुए दिखना चाहिए और हम एक्सपेक्ट कर रहे टारगेट आना चाहिए 1520 से लेके 1540 तक के। तो जिनके पास भी पोजीशन है होल्ड रखें, यहाँ पे भी नया ट्रेड भी इनिशिएट किया जा सकता है क्योंकि अगर हम टेक्निकली इसको एनालाइज करें तो अब यहाँ पे फ्रेश ब्रेकआउट राउंडिंग बॉटम का होते हुए दिख रहा है। स्टॉक में यहां से हम पोजिशनल स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे 1435 के आसपास, टारगेट होंगे 1520-1540 तक के। ये रणनीति आपके सामने एस्कॉर्ट्स पर आती हुई दिख रही है। अब फ्रेश रिकॉर्ड हाई यहां पर इस काउंटर पर आप देख रहे हैं 1470, जी हां स्क्रीन पर आपके सामने। कुछ ही देर में हमारे साथ सुमित जी भी जुड़ेंगे और बढ़िया विश्लेषण वो आपको एस्कॉर्ट्स का करते हुए दिखेंगे। चलिए सुमित जी का स्वागत करते हैं आज के इक्का में। पेपर थोड़ा सा लीक होता पहले से लीक हो गया, करीब करीब 1255-1260 पे सोचा था, 1270 पे अब देखना पड़ रहा है इसको, लेकिन एस्कॉर्ट्स को ही हमने शामिल किया है आज का एक का। और एक हफ्ते में 6% का मूव, 17% चल चुका है पिछले पूरे महीने के दौरान, और YTD भी इतनी बड़ी अंडर परफॉर्मेंस, लेकिन वो अब आउट परफॉर्मेंस बदलती हुई
दिखाई पड़ रहे हैं 20% के आसपास, अगेन YTD में भी देखने को मिल चुका है। मार्केट कैप 20,000 करोड़ के करीब एस्कॉर्ट्स की अभी कुछ देर पहले तक थी, अब तो लग रहा है पार भी हो गई होगी, शायद 19,900 करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप है। अच्छा, दो तीन चीजें बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्कॉर्ट्स के साथ हुई है। पहला तो शेयर अपने रिकॉर्ड्स लेवल के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दूसरा, कंपनी के जो नंबर थे लास्ट कई क्वार्टर के, 5 क्वार्टर 6 क्वार्टर के नंबर में, स्पेशली सेल्स का नंबर देखिए, हर क्वार्टर बाय क्वार्टर इंप्रूव हो रहा है। डिस्पाइट लास्ट क्वार्टर में लॉकडाउन था इन कंपनी के नंबर से, फिर भी उतना ज्यादा एक सेट ऑफ नहीं आता देखने को मिला, उतना ज्यादा पेन नहीं था, यह भी एक बड़ा ट्रिगर ब्रोकर्स मान रहे हैं। तीन बड़ी बस जो बाजार में चल रही है वो एक कंपनी के स्टेक सेल को लेकर, जो पहले भी आ चुकी है, ऐसी कुछ दोबारा खबरें उठ रही कि शायद यहां पे फिर से कुछ स्टेक सेल हो, लेकिन ये औपचारिक नहीं है, सिर्फ खबरें हैं बाजार में। मॉनसून का ट्रिगर बहुत बड़ा ट्रिगर है कंपनी के लिए, और वो साउंड करके गया है। कंपनी 17 और 18 के मल्टीपल पर ट्रेड करता है ट्रेलिंग 12 मंथ में, और इस तरह की वैल्यूएशन के साथ इस तरह की कंपनी, ट्रैक्टर स्पेस की सबसे बड़ी कंपनी अगर मिल रही है तो बाजार उसको हाथों हाथ ले रहा है, इसीलिए बढ़िया तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ रही है। लास्ट एक सेल 1180 के दाम पर हुआ था और शेयर अभी भी वहां से बहुत ज्यादा दूर गया नहीं है, तो इसीलिए यहां पर ब्रोकर्स को एक अच्छी वैल्यू दिखाई पड़ रही है, इसी के आधार पर यहां पर बाइंग बनते हुए दिखाई पड़ रही है। दो क्वार्टर के नंबर काफी अच्छे, डेट फ्री कंपनी है और एक स्ट्रॉन्ग पुराने कॉर्पोरेट घराने की कंपनी है, तो इसीलिए मार्केट में अच्छा रूमर और अच्छा बस देखने को मिल रहा है। आपकी स्क्रीन पे कुछ आंकड़े भी चलते हुए दिखाई पड़ेंगे जिसमें सेल्स के ऊपर दिखाई पड़ेंगे। 1700 करोड़ की सेल लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने पोस्ट की थी, इस 2200 करोड़, 2000 करोड़ और 1600 करोड़, तो कंसिस्टेंटली स्ट्रॉन्ग नंबर लास्ट क्वार्टर में लॉकडाउन उसके बावजूद भी ऑलमोस्ट 3 क्वार्टर पुराने के आसपास के नंबर देखने को मिले, और ये बाजार में अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार का आंकड़ा जो है वो वापस 2000 करोड़ रुपए के आसपास आता पड़ेगा। तो मार्केट स्ट्रॉन्गली इन नंबर्स को एक्सपेक्ट कर रही है, अच्छे मॉनसून को, और जो बस चल रही है वो एक और बड़ा ट्रिगर है जिसके आधार में अच्छी तेजी देखी जा रही है, इसीलिए इसको आज हमने आज का इक्का बनाकर शामिल किया है। फ्रेश रिकॉर्ड हाई एस्कॉर्ट्स में आता हुआ फिलहाल 1471, और यहां पर हम लोग गाबा साहब को भी जोड़ेंगे। 1210-1200 के आसपास आपने गाबा साहब को बहुत ही शानदार एक लॉन्ग कॉल देते हुए दिखा था, और ये कोई भी आप समझिए ज्यादा समय नहीं हुआ है ये कॉल आपके सामने आई थी, समझिए 23 अगस्त के आसपास। गावा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तेजी को बहुत सही समय पर पकड़ने के लिए, और उसके बाद आप देखिए असित जी की तरफ से आपको बहुत बढ़िया ऑप्शन ट्रेड आते हुए दिखे, और अब दिन का उच्चतम लेवल आपके सामने और रिकॉर्ड हाई एस्कॉर्ट्स में लगता हुआ। वीरेन जी, जी शैल जी, एस्कॉर्ट्स इसका दबदबा है, जी एंटरटेनमेंट आपकी स्क्रीन पर आप देखें 250-280 नाउ, अरविंदो फार्मा जो अभी अगर आप देखें रचना जी ने कॉल दी 246, और अगर आप देखें मूव देता हुआ, और आप जरा एक बार इंडसइंड बैंक को देखिए, कोटक के किशोर गुल में ये दब गया और करीब करीब 1040 पे डे हाई पर रोलिंग आर्किटेक्ट। खैर इस स्टॉक पर बातचीत करेंगे, अभी एक ब्रेक का वक्त है, एक छोटा सा ब्रेक लेना है मुझे, और एक छोटा सा ब्रेक लेकर तुरंत हाजिर होते हैं, और फिर उसके बाद यतिन से बात करेंगे डीली रूम चेक को लेकर, लार्ज कैप में, स्मॉल कैप में, मिड कैप में कहां है उनकी नजर, एक छोटे से ब्रेक के बाद। बहुत बढ़िया तरीके से बुल्स के फेवर में है। डायरेक्टर साहब जरा स्क्रीन पर एडवांस डिक्लाइन रेशियोज दिखा दीजिए पूरे बाजार के, और दिखाइए 2-3 काउंटर्स जो आपको हम लोग चर्चा करते हुए दिखेंगे, बाटा इंडिया और एबीबी इंडिया। फिलहाल निफ्टी आपके सामने फ्लैट, और ये देखिए लगभग समझिए कि 3:2 का एडवांस डिक्लाइन रेशियो आपके सामने है, यानी कि 2 गिरने वाले शेयर और आपके सामने 1 गिरने वाले शेयर के सामने 2 बढ़ने वाले शेयर्स हैं। बाटा इंडिया दिन के उच्चतम लेवल पर आपको चलता हुआ दिखेगा लगभग 1790। हीरो मोटर्स में आप तेजी की वापसी देख रहे हैं 2861, और एबीबी इंडिया अब 1900 को पार करता हुआ। वीरेन जी, जी हाँ, हीरो मोटर कॉप अगर आप देखें, आज राजेश सतपुते जी की सुबह सुबह कॉल थी, और क्योंकि ऑटो थीम है तो मैं उस पर थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। ये दो ट्रेड से बातचीत करेंगे इस पर, बाटा और हीरो मोटर कॉप पे। राजेश पालविया जी, बाटा सॉरी हीरो मोटर कॉप 2870 की ट्रेजेक्ट्री यानी 100 डेमा को रिगेन करने की कोशिश करता हुआ, इस पर आपका टेक, और बाटा भी स्क्रीन पर रखिएगा। पहले एक बताइए कि 2900 की कॉल ऑन हीरो मोटर कॉप एक बीटीएससी ट्रेड हो सकती है क्या? पहले संक्षेप में उत्तर दीजिएगा, उसके बाद दूसरा ट्रेड लेके आऊंगा। बिल्कुल हो सकती है, इसमें एक डाउन स्लोपिंग चैनल का ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है, तो बिल्कुल हीरो मोटर कॉप की 2900 की कॉल
BTST के तौर पे बाय करना चाहिए। इवन यहाँ से फ्यूचर भी बाय किया जा सकता है। स्टॉक में जिस तरीके से रिवर्सल बना, सेक्टर में रिवर्सल बना, हमें लगता है कि 2900 की कॉल को करंट लेवल पे बाय करें। यहाँ से टारगेट आना चाहिए उस कॉल ऑप्शन का करीब 70 रुपए के आसपास, 48 के आसपास अभी ट्रेड करिए। स्टॉप लॉस रख लें इसमें करीब 38 रुपए का, और 70-75 तक के टारगेट इसमें आते हुए दिख सकते हैं। अब आप एक काम करिए, अब लेके आइए अब बाटा। बाटा आपकी स्क्रीन पे याद रखिएगा 1290 पे आके ट्रेड करता हुआ, और एक बार जरा बाटा के आप वॉल्यूम्स लेके आइएगा। राहुल जी, अभी कुछ देर पहले आपने एक बहुत खूबसूरत ट्रेड पिक किया था ग्रेनवेल्स पे, और वो कॉल वाकई अगर आप देखें काफी अच्छी खासी चली। अब आप देखिए बाटा की प्लेसमेंट, बाटा ने बहुत अच्छा रेस्ट लिया 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास। अब आप देखिए आज के OI एडिशन को देखिए, स्ट्रांग है और ये अपनी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री में जाकर ट्रेड करता हुआ 1752, 1800 की कॉल लेके आइए इसकी जरा प्लीज एक बार, 1800 की कॉल का प्रीमियम लेके आइए कितना है राहुल जी, 1800 की कॉल, क्योंकि फ्यूचर्स थोड़ा सा एक्सपेंसिव है यहाँ पर। 1800 की कॉल अगर किसी छोटे स्टॉप लॉस के साथ, आई मीन 10 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ अगर प्ले करनी हो तो बाटा पे कैसी रहेगी, और प्लीज 44-45 आपका टेक इस ऑप्शन पे। बाटा एट आई थिंक ये शायद क्लोजिंग इसकी ऑल टाइम हाई क्लोजिंग हो जाए। राहुल जी आपका टेक इस पर। जी देखिए जो इसकी 1800 की कॉल ऑप्शन है, इसका मैं अभी चार्ट ही देख रहा था जैसे आप डिस्कस कर रहे थे, तकरीबन 45 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रही है। मेरे हिसाब से इसे बाय करके चलना चाहिए 38 रुपीज के स्टॉप लॉस से, और जो हिसाब से बाटा में सेटअप है मुझे लगता है कि 60 रुपीज तक का एक स्विंग हाई देखने को मिलेगा। इसका जो 1800 का जो कॉल ऑप्शन में उसमें हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी है, तो आई थिंक एक शॉर्ट कवरिंग भी ट्रिगर हो सकती है जैसे ही स्टॉक 1800 का लेवल क्रॉस करता है। आई थिंक ये अच्छा ट्रेड निकल के आ सकता है, इसे बाय करके चलिए। 60 का इमीडिएट टारगेट रहेगा, और मेरे हिसाब से बाटा अगर 1800 के ऊपर क्लोज हो जाता है तो ये ऊपर 80 तक भी प्रस्थान कर सकता है, तो इसे बाय करके चलिए 38 का स्टॉप लॉस। आपके सामने बाटा का एक लंबी अवधि का चार्ट कैंडलस्टिक फॉर्मेट में प्रस्तुत है, और हम लोग जो ऑल टाइम हाई ट्रैक कर रहे हैं वो है लगभग 1805 जो आपने लगती हुई देखी सितंबर 2 को। देखते हैं ये मोमेंटम आपको कहाँ ले जाता हुआ दिखता है। माफ कीजिए, वो पहले 52 हफ्ते की हाई थी, और ऑल टाइम हाई अगर आप देखें तो आपको दिखेगी लगभग 1895 जो आपने लगती हुई देखी फरवरी सन 2020 में। बढ़िया मोमेंटम बाजार में, और अब आप 1796 देख रहे हैं फिलहाल आपके काउंटर पर बाटा इंडिया में, वॉल्यूम 301,000 शेयर। कभी कभी मौका मिलता है यतिन जी से स्टूडियो में मिलने का, और डीलिंग रूम चेक आज यतिन जी आपको करते हुए दिखेंगे इविक्स कैश और सीएनबीसी आवास के बढ़िया स्टूडियो से। बिल्कुल शैल जी, और सौभाग्य है हम लोग फिर से एक बार मौका मिल रहा है दो वैक्सीन लेने के बाद स्टूडियो आने का। तो जहां तक कि शैल जी डीलिंग रूम्स का सवाल है, मूड माहौल बहुत जबरदस्त है, क्योंकि FNO ट्रेड हो चाहे वो नए IPO की लिस्टिंग हो, दमदार ट्रेडिंग की एक्टिविटी हमको देखने को मिल रही है। लेकिन दो स्टॉक्स जहां वो फोकस कर रहे हैं उनमें सबसे पहले HCL टेक्नोलॉजीज, और हम इसकी अक्सर चर्चा करते हैं, IT शेयरों की चर्चा हम लोग काफी दिनों से कर रहे हैं, और HCL टेक की अगर आप बात करें तो यहाँ डीलिंग रूम्स को लगता है कि 1250 से 1260 तक के लेवल्स इसी हफ्ते आपको देखने को मिलने चाहिए। काफी सारे हेज फंड्स की यहाँ शॉर्ट कवरिंग भी आपको देखने को मिल रही है, और आज के सत्र में अगर आप देखें तो ओपन इंटरेस्ट में लगभग 9% का एडिशन हुआ है तेजी की तरफ। तो कहीं ना कहीं HCL टेक्नोलॉजीज में डीलिंग रूम्स को लगता है कि काफी अच्छा अट्रैक्शन आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा DLF, ये भी डीलिंग रूम्स का एक फेवरेट स्टॉक है रियल एस्टेट स्पेस से, उनको लगता है कि काफी दिनों के कंसोलिडेशन के बाद यहाँ भी आपको खरीदारी के मौके मिलेंगे। बाय ऑन डिप्स की रणनीति यहाँ वो सुझा रहे अपने क्लाइंट्स को, और एक्सपेक्टेशन ऐसा है कि 355 से 360 के आपको पोजिशनल टारगेट्स इस स्टॉक पे देखने को मिलने चाहिए। तो रिन्यूड HNI बाइंग के फ्लोस पे डीलिंग रूम्स को लगता है कि DLF में भी यहाँ से बढ़ने का अच्छा खासा दमखम है। तो हम लोग सुबह से चर्चा कर ही रहे हैं HCL टेक्नोलॉजीज पर, और सुबह जैसे ही DLF में पहला टिक तेजी का आया यतिन जी, वो वीरेन जी ने पकड़ लिया था, तो एक चर्चा फिर दोबारा कर लेते हैं DLF पर, और यहाँ पर राय देते हुए दिखेंगे राहुल शर्मा साहब। DLF
जी हाँ, देखिए डीएलएफ इनफैक्ट रियलिटी स्टॉक्स में एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला है लास्ट तीन सेशन में, और डीएलएफ में आज के सेशन में एक तरह से अपना 344 का जो रेजिस्टेंस है ये इसने टारगेट किया है। देखिए ये 320 के लेवल से हमने फर्स्ट वीक ऑफ सेप्टेम्बर में रेकमेंड किया था, और यहाँ पर भी आई थिंक इसमें जो बायस है वो पॉजिटिव है। यहाँ पर इसका पोजिशनल लक्ष्य जो है वो 355 और 380 का आता है, तो आई थिंक अभी इमीडिएट 355 के टारगेट के लिए इसमें लॉन्ग पोजिशन में बने रहे। जिनको फ्रेश बाय करना, आई थिंक तीन दिन का जो इसका जो एक तरह से हायर लो स्ट्रक्चर है यानी कि 330 का स्टॉप लॉस यहाँ पर आइडियल रहेगा तकरीबन 13 रुपए, और ऊपर में 355 का पहला लक्ष्य। और पोजिशनली मुझे लगता है कि रियलिटी स्टॉक्स में अच्छा यहाँ पर मोमेंटम बना रहेगा रेस्ट ऑफ सेप्टेम्बर सीरीज में, तो सेप्टेम्बर सीरीज में आई थिंक पोजिशनली भी यहाँ पर लेके चल सकते हैं, और इमीडिएट बेसिस पर भी मोमेंटम काफी फेवरेबल है, तो डीएलएफ में बाय में बने रहे। एक टेक्निकल चेक भी आपका साथ देता हुआ लॉन्ग साइड में। वीरेन जी आपकी इजाजत हो तो दो स्टॉक्स में स्क्रीन पर लेके आता हूँ, आरती सर्फैक्टेंट्स और गैलेक्सी सर्फैक्टेंट्स, क्योंकि आज हम लोग केमिकल स्पेस में एक अच्छा मोमेंटम ट्रैक कर रहे हैं। ये वो कंपनीज हैं जो आपको केमिकल्स बनाती हुई दिखती हैं, जिनसे आप टेबल्स की, बसेस के एक्सटीरियर्स की, या उन पब्लिक स्पेसेस की सफाई होते हुए दिखते हैं, वो जो छिड़काव आपको होता हुआ दिखेगा केमिकल का। तो यहाँ पर आप बढ़िया मूव्स देख रहे हैं, प्राइस और वॉल्यूम दोनों हरे निशान में गैलेक्सी पर, और इसी तरीके का एक बहुत शानदार बार आपको आरती सर्फेक्टेंट्स पर भी बनता हुआ दिखेगा। 1573 का प्राइस, वॉल्यूम आपके सामने 1,21,000 शेयर। नॉर्मली इसको हम लोग डिस्कस नहीं करते, लेकिन प्राइस बढ़िया। वीरेन जी, ग्लेनमार्क निकलता हुआ बहुत बढ़िया मोमेंटम में, 532 आपके सामने, ये काउंटर 200 डीएमए के नीचे है। क्योंकि फार्मा में बढ़िया आप मूव देख रहे हैं, तो एक रणनीति फिलहाल लगाते हैं ग्लेनमार्क पर। जी हाँ, ग्लेनमार्क लिखा है स्क्रीन पर, प्लीज अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पर, देखिए इस क्लोजिंग में फार्मा स्टॉक्स में अच्छा मूव आया है, और विंडो हो गया, ग्रेनवल्स हो गया, अब ग्लेनमार्क लिखा है। ये ग्लेनमार्क 531, और आज इसने फर्स्ट अटेम्प्ट लिया है 10 डीएमए के ऊपर ट्रेवल करने का। मोर और लेस अगर आप देखें ग्रेनवल्स का चार्ट ही है ये, आपकी क्या राय रहेगी इसमें राजेश पालविया जी? ग्लेनमार्क इसने पिछले 4 दिन की कैंडल्स को कवर कर लिया है आज के अपने प्राइस में, और अच्छी बात यह है कि आज एक बार मैं इनफैक्ट इस पर अगर वॉल्यूम्स लोड करूं तो वॉल्यूम्स इसमें समझ लीजिए कि ओके कल से अच्छे हैं अभी तक, और अभी आधे घंटे का कारोबार बाकी है। आपका टेक और कोई ऑप्शन लॉजिक आपके पास हो तो बताइएगा प्लीज। तो ग्लेनमार्क में मोमेंटम बिल्कुल बना है, और देखें तो कुछ सिलेक्टेड फार्मा स्टॉक्स काफी अच्छा करते हुए दिख रहे हैं, और ग्लेनमार्क का अगर हम वीकली सेटअप देखें तो स्टॉक में जो एक करेक्शन के बाद से स्टॉक ने जहां से सपोर्ट लिया है वो इसका प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल था, तो अब हमें लगता है कि यहां से स्टॉक में नियर टर्म सेटअप के हिसाब से पुल बैक कंटिन्यू होना चाहिए। 530 की ही कॉल ऑप्शन, एट द मनी की कॉल ऑप्शन बाय कर लें, जो कि करीब 19-20 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है। हमें लगता है ग्लेनमार्क का मोमेंटम इसको 550 की तरफ लेके जा सकता है। 520 का स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे फ्यूचर में, इस कॉल ऑप्शन का स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे हम करीब 15 रुपए का, और टारगेट होना चाहिए 30-35 रुपए तक के। ओके, तो ग्लेनमार्क पे आपका टेक है, और इस बीच अगर आप देखें मोमेंटम बाजार में बढ़ता हुआ और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी अच्छा खोसा हो रहा है इस वक्त। अभी मैं आपके पास आऊं एक बार फिर से पालविया साहब, और मैं 3-4 दिन से आज सुबह भी मैंने जिक्र किया था इस बात का कि भाई टेक महिंद्रा पे नजर रखिए, ये रेस्ट ले रहा है अगेंस्ट ऑल आईटी स्टॉक्स, और आप देखिए 1452 पे इस वक्त ट्रेड करता हुआ, पिछले 10 मिनट का स्विंग देखिएगा और वॉल्यूम्स अच्छे खासे हैं। इस जोन में बहुत सारे आईटी स्टॉक्स ने आप देखें अच्छा मूव दिया, लेकिन ये शांति से बैठा रहा। आप पिछले 15 मिनट के वॉल्यूम्स देखिए और 10 डीएमए से इसकी पुलबैक देने की टेंडेंसी को देखिए। टेक महिंद्रा 1454, एक बार इसका 1460 का कॉल लिख आइएगा, सुबह भी मैंने इस पर बातचीत करी थी। पालवे साहब क्या कहते हैं, अगर एक ट्रेड करना हो यहाँ पर करीब करीब 7-8 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ, तो क्या कहते हैं इस कॉल ऑप्शन पे 1460 टेक महिंद्रा? बिल्कुल वीरेन जी, इसमें स्टॉक में कंटिन्यूटी बनी हुई है तेजी की, और अगर हम डेली सेटअप पे देखें तो स्टॉक ने एक माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग बोले वो देखने को मिली थी, लेकिन अब जो स्टॉक में रिवर्सल बना है वो ये दिखाता है कि वापस ही अपने प्रीवियस स्विंग हाई को क्रॉस करते हुए दिखेगा स्टॉक। तो स्टॉक में तो हमें लगता है कि यहाँ से इमीडिएट टारगेट आना चाहिए 1490 और 1500 तक के। ये कॉल ऑप्शन 1460 की बिल्कुल बाय करना चाहिए, 33 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है। हमें लगता है इस कॉल ऑप्शन के जो टारगेट बनना चाहिए वो करीब आना चाहिए 42 रुपीज तक के,
करंट लेवल से स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 28 रुपए के आसपास, तो बिल्कुल 13-1460 की स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन बाय करना चाहिए। चलिए फिलहाल एक नजर जरा फार्मा स्पेस पर डाल लेते हैं। एफएनओ में आप ग्लेनमार्क को 2.5%, जिस पर कुछ समय पहले चर्चा हुई थी, तेजी में देख रहे हैं। ग्रैन्यूल्स इंडिया 2% के ओपन इंटरेस्ट के साथ बढ़ता हुआ 3.5%। एक लॉन्ग कॉल राहुल शर्मा साहब की तरफ से आई। अच्छा मूव आप औरोबिंदो फार्मा में ऑलरेडी देख रहे हैं, 1.6% ऊपर, रचना जी की पसंद। और ठीक ठाक तरीके से आपको डिवीज लैब और डॉक्टर रेड्डीज फिलहाल ट्रेड करते हुए दिखेंगे। तो ये एक पूरा रैप अप आपके सामने फिलहाल तेजी में उन फार्मा काउंटर्स का होता हुआ। कैश में सुवेन फार्मा को दिखा दीजिए डायरेक्ट साहब स्क्रीन पर, यहाँ पर 540 का दिन का उच्चतम लेवल आता हुआ दिख रहा है। ऑलमोस्ट 3 बज चुके हैं और हम लोग स्वागत करते हैं अपने मित्र श्री संजीव भसीन साहब का। नमस्ते भसीन साहब, बताइए किस हिसाब से आप अगले आधे घंटे को पैन आउट करते हुए दिखते हैं बाजार में। 27 अंक ऊपर निफ्टी 17,382, तो निफ्टी तो 27 अंक है। रियल मनी इज बीन मेड इन द मिड कैप्स, और देख ही रहे हैं कब देखा है हमने कि 35% पे लॉक्ड है जी। तो वो बता रहा है कि जहां मैनेजमेंट्स में फेर बदल या टेंटेटिव रीअराइनमेंट ऑफ बिजनेसेस हैं, तो बिजनेसेस की रियल वैल्यू अनलॉकिंग है एंड दैट इज प्लेइंग आउट वेरी वेल। आपको कल ही मैंने बोला था गेल विल बी एन आउट परफॉर्मर, देखिए आज 6.5-7% अप है, और वो एक मेरी टॉप कॉल थी, उसके सामने मैंने AU बैंक सेल शॉर्ट कराया था, वो भी दोनों हो गए। अब एक बाय एक सेल है, अभी भी मैं सोचता हूँ मार्केट में वॉलेटिलिटी आएगी, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। न्यू हाईज आर देयर बट द वॉलेटिलिटी विल हर्ट यू, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। आज का बाय है मेरा फेवरेट IRB, जो मुझे लगता है अब यहाँ से 250 रुपये बहुत जल्दी जा सकता है। आज के लिए ट्रेडिंग कॉल है बाय IRB 170-162 का स्टॉप लॉस है, 188 का टारगेट, ये 188 अगले 2-3 दिन में जरूर आ सकता है। और सेल में है हिंदुस्तान एरोनॉटिक, ये फॉलो ऑन FPO आने वाला है ऑन द प्राइस, तो आपका हेज अच्छा हो जाएगा। 1390 से 1400 में बेचिए, 1425 का स्टॉप लॉस, 1355 का टारगेट। ओके HL आप सेल कर रहे हैं, 1355 का अगर आप देखिए टारगेट है, 1425 का स्टॉप लॉस है आपका, और यहां पर आप एक सेल कॉल लेके चल रहे हैं इसमें अगर आप देखें जो हालिया मूव आया था उसको देखने के बाद। अब शैल जी जरा ग्लेनमार्क का चार्ट लेके आते हैं, अभी आपने इस पर टेक चेक लिया था, ग्लेनमार्क एट डे हाई, बायोकॉन एट डे हाई और विंडो फार्मा एट डे हाई, तो इस वक्त फार्मा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। एक एक करके ट्रेड लाइएगा। ग्लेनमार्क पे पहले एक अपडेट लेते हैं, ग्लेनमार्क अब दिन के सर्वोच्च स्तर पर आ रहा है ये राहुल जी। एक तो ये ग्लेनमार्क का हमारे पास लॉन्ग ट्रेड पड़ा हुआ है, एक कैडिला निकलता हुआ 564, ये एक हालिया ब्रेकआउट है डे हाई पर, अपने पिछले समझ लीजिए कि 10 दिन का जो प्राइस जोन है सिर्फ उसमें से मैं 8 सितंबर की कैंडल सब्सट्रैक्ट कर दूं तो अच्छा मूव देता हुआ वॉल्यूम्स के बीच में। कैडिला को कैसे अप्रोच करेंगे? 562.50 जी हाँ, देखिए कैडिला का में जो यहाँ पर सेटअप है, एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक बाहर निकल रहा है। मेरे हिसाब से 575 का अगला पड़ाव है और साथ ही में इसका ये 50 दिन का मूविंग एवरेज भी है, तो यहाँ पर बायस बिल्कुल पॉजिटिव है। 555 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन में रहना चाहिए। फार्मा पैक, जैसे शो की शुरुआत में मैंने कहा था कि यहाँ पर फार्मा इंडेक्स में सेलिंग जो है पूरी अब्जॉर्ब हो गई, और यहाँ पर मुझे लगता है कि अच्छी बाउंस बैक बनी रहेगी फार्मा में, तो यहाँ पर कैडिला में भी मेरे हिसाब से एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। बायोकॉन ऑलरेडी अच्छा चल रहा है, यहाँ पर कैडिला में भी अच्छा ट्रैक्शन है। आई थिंक 555 के स्टॉप लॉस से बाय कीजिए। 575 का पहला लक्ष्य रहेगा, लेकिन 575 अगर निकलता है मेरे हिसाब से पोजिशनल ये स्टॉक के अंदर 600-625 के लक्ष्य ओपन अप हो जाएंगे। ये बहुत ही बढ़िया मूव आपको दिख रहा है मिड कैप फार्मा में, और ये तेजी रचना जी की तरफ से आपको आती हुई दिखी औरोबिंदो फार्मा में, उसके बाद ग्लेनमार्क, बायोकॉन, कैडिला, और अब आपको कैश में कम से कम सुवेन फार्मा अच्छे मूव्स आता हुआ दिखा रहा है। साथ ही साथ कुछ समय पहले IRB इंफ्रा पर आपको एक लॉन्ग कॉल मिली, 174 का प्राइस दिन में आपको आता हुआ दिख रहा है। ये संजीव भसीन साहब का फेवरेट काउंटर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में। 3:03 और बढ़िया मोमेंटम आप ग्लोबल शुगर फ्यूचर्स में आते हुए देख रहे हैं। मेरे सामने जो लंदन शुगर फ्यूचर्स हैं दिन के उच्चतम लेवल पर फिलहाल ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। बढ़िया मूव यहां पर आप डोमेस्टिक शुगर इंडस्ट्री में भी रेप्लिकेट होते हुए देख रहे हैं। राहुल शर्मा साहब को जोड़ते हैं और प्रस्तुत करते हैं रेणुका
श्री रेणुका शुगर्स की चार्ट, लंबी अवधि की चार्ट दिखाइए डायरेक्टर साहब, यहाँ पर मूव और वॉल्यूम दोनों बहुत अच्छा आता हुआ। राहुल जी। जी शैलेंद्र जी, देखिए शुगर स्टॉक्स तेजी में है, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए इथेनॉल की जो स्टोरी है भारत में कंटिन्यू होगी, और मेरे हिसाब से शुगर स्टॉक्स ने जो पॉज लिया है ये एक बहुत ही बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी है। देखिए पिछले मूव में रेणुका तकरीबन 10 रुपए से लेके ऑलमोस्ट 50 रुपए तक मूव दिया था, यानी कि 5x रिटर्न दिया था स्टॉक ने अप्रैल से लेके जुलाई के महीने तक। वो पूरा का पूरा जो मूव था उसका एक 61.8% इंपॉर्टेंट जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है वो स्टॉक ने पूरा किया है 24.5 के ऊपर, और पिछले लगातार 3 हफ्तों से स्टॉक एक तरह से यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। तो इसके अंदर जो भी सेलिंग थी, वीकनेस थी, मेरे हिसाब से पूरी हो चुकी है। यहाँ पर इन्वेस्टर्स को बाय करके चलना होगा। ये बीई ग्रुप में आता है तो इसमें डे ट्रेडिंग अलाउड नहीं है, लेकिन पोजिशनली मुझे लगता है कि इसे आप डिलीवरी में बाय करके चलिए। 18 रुपए का स्टॉप लॉस तकरीबन 27 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है इसका पहला लक्ष्य 45 का होना चाहिए, जो कि इसका एक अच्छा रिट्रेसमेंट टारगेट है, एक बाउंस बैक अच्छा टारगेट है। और दूसरा जो टारगेट है 75 का है, यानी कि अगले 3 से 6 महीने में आपको यहाँ से बहुत ही अच्छा परसेंटेज रिटर्न रेणुका शुगर में इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मिल सकता है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट आइडिया है टेक्निकल बेसिस के ऊपर और ओवरऑल सेक्टर में भी टेलविंड्स है। मेरे हिसाब से रेणुका में यहाँ पर एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है, जिसे आपको बाय एंड होल्ड में तब्दील करके यहाँ पर पार्टिसिपेट करना है। हम लोग 48 के उच्चतम लेवल से एक वन साइडेड करेक्शन देख रहे हैं और अब आपको 27.40 पर 5% सर्किट पर लॉक्ड दिख रहा है श्री रेणुका। ध्यान दीजिए ग्लोबल शुगर प्राइसेस में एक अच्छा मूव आपको आता हुआ दिख रहा है फ्यूचर्स में, और उस वजह से अनेक ऐसे काउंटर्स हैं जो आपको अच्छे हरे निशान में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। वीरेन जी 3:05 और IRB इंफ्रा स्क्रीन पर चौंकता हुआ 174.10 का प्राइस उच्चतम आपके सामने आता हुआ। IRB को ही देखा था शैल जी, मैं यहाँ पे वॉल्यूम्स इसके काफी अच्छे खासे हैं आज, और डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड करता IRB, और पिछले 5 दिन का ये सबसे हाई, नहीं 4 दिन का अगर आप देखें सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम है ये। अब डे हाई पे फ्लो करता हुआ इस पे इस चार्ट पे टिक लेते हैं। श्रीकांत जी आप जरा IRB को देखिएगा, और इसका ये जो 4 जून से लेकर जब ये जून की सीरीज स्टार्ट हुई उसके बाद से जो इसका बिहेवियर है और जो इसके डेवलपमेंट है उसने इसको काफी अगर आप देखें लाइमलाइट में रखा है। और अब मैं स्पेशली जरा 19 जुलाई से लेकर आज तक की अगर प्राइस परफॉर्मेंस को इंक्लूड करूं तो लग रहा है कि आई थिंक ये लगभग समझ लीजिए कि जुलाई अगस्त और सितंबर के इन 15 दिनों के 2.5 महीने के कंसोलिडेशन के बाद 177-176 की रेंज के ऊपर एक अच्छा और ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा है। आप IRB को पोजिशनल पर्सपेक्टिव से, नॉट एग्जैक्टली फॉर मिनट और टू मिनट और इंट्राडे ट्रेड, पोजिशनल पर्सपेक्टिव से कैसे अप्रोच करेंगे श्रीकांत जी? तो देखिए वीरेंद्र, अगर IRB के अगर ब्रॉडर पैटर्न को देखते हो तो 100 रुपए के करीब ये स्टॉक था, और वहां से चलते चलते 190 के करीब ये गया था विदाउट एनी मीनिंगफुल करेक्शन। उसके बाद एक करेक्शन आना वाजिब था तो वो आ गया, और मुझे लगता है उसके बाद उसने काफी अच्छा वक्त निकाला, जैसे आपने बताया कि जून जुलाई और अगस्त सीरीज में इसने काफी अच्छा वक्त निकाला है, उसके बाद वापस इसने एक अपनी चाल पकड़ी है। अगर आप इसके ब्रॉडर फॉर्मेशन को देखें तो एक बात काफी क्लियर है कि करंट फॉर्मेशन जो है वो काफी स्लो एंड ग्रेजुअल फॉर्मेशन है, और इसी वजह से राउंडिंग बॉटम जैसा फॉर्मेशन बन रहा है जो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि 190 के लेवल से दिखा सकता है। लेकिन अगर इसके मंथली या क्वार्टरली चार्ट्स को देखते हो तो ऐसा लगता है कि इस स्टॉक में इवेंचुअली हम 250 या 260 के लेवल्स देखेंगे, और जैसे भी वसीन साहब ने बताया हमें लगता है कि बिल्कुल ये स्टॉक मिड कैप सेक्टर में या तो मिड कैप बास्केट में आने वाले दिन में बिल्कुल आउट परफॉर्म करेगा। तो करंट लेवल से भी पोजिशनल बेसिस पे इसे बिलोंग किया जा सकता है, 175 के करीब ट्रेड कर रहा है, 160 रुपए का स्टॉप लॉस रखें जहाँ पे मल्टीपल एवरेजेस है, और टारगेट्स रखें इमीडिएट बेसिस पे 190 एंड इवेंचुअली 250 रुपए। आपके सामने स्क्रीन पर रोल्स रॉयस के साथ करार कर 23 तर्रारी में आपको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ट्रेड करता हुआ दिखेगा, 1408 का प्राइस स्क्रीन पर। और फिलहाल जो स्क्रीन पर खबर आती हुई दिख रही है, ओडोर इंजन पार्ट्स बनाने के लिए एक पैक्ट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स साइन करता हुआ दिखेगा रोल्स रॉयस के साथ। मैं बस ज़रा ये चेक करता हूँ कि कौन से ऐसे मिलिट्री इंजन्स हैं जो आपको रोल्स रॉयस बनाता हुआ दिखता है, तब तक चार्ट चेक विरेंजी करते हुए दिखेंगे। दिन का उच्चतम लेवल तो नहीं, लेकिन कम से कम हरे निशान में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स आता हुआ। विरेंजी
जी हाँ, शैल जी इस पर एक चार्ट चेक ले लेते हैं और याद रखिएगा बहुत मोमेंटम वाला स्टॉक है ये, बहुत मोमेंटम वाला स्टॉक है। इसके लिए चलते हैं राजेश पालवी जी के पास है। राजेश पालवी जी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 1409, आई थिंक इसमें डाउनसाइड को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल था और अभी क्योंकि मेरे को तो ये लग रहा है कि कभी कभी ये 1410 के ऊपर 1420 के ऊपर सेटल हो गया तब ये क्या करेगा, क्योंकि वो एक टिपिकल फ्लैग का ब्रेकआउट होगा। कैसे अप्रोच करेंगे आप 1406 पर यहाँ पर रहे? बिल्कुल, देखिए स्टॉक में मोमेंटम तो तेजी का ही बना हुआ है और जिस तरीके से स्टॉक के चार्ट स्ट्रक्चर है बिल्कुल 1410-1420 ये रेंज है। अगर जैसे ही ये स्टॉक इसके ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे वापस आज क्लोज होता हुआ दिखेगा तो यहाँ से तो वापस अपसाइड का एक मोमेंटम बनता हुआ दिखेगा जो कि इसको फिर 1460-70 की तरफ लेके जाएगा। हालांकि स्टॉक में काफी बड़ा एक अपमूव बना हुआ है लेकिन 1370-1360 इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है लोअर साइड पे। जब तक ये लेवल वॉयलेट नहीं होते हैं हमें लगता है कि इसमें कोई भी माइनर डिप मिलती है उसको बाइंग अपॉर्चुनिटीज से यूज करें। 1350-1360 का लेवल अगर ये तोड़ता है क्लोजिंग बेसिस पे तब इसमें कोई सिग्निफिकेंट एक करेक्शन यहां से बनते हुए दिखेगा। तो टेक्निकली स्टॉक बुलिश है, करंट लेवल से 1390 के आसपास का स्टॉप लॉस रखे, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस। आज की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहेगी, 1415-1420 का अगर ब्रेकआउट होता है तो फिर ये स्टॉक में 1460 तक की भी अपसाइड खुलते हुए दिख सकती है। ये चंदन तपड़िया साहब को जोड़ेंगे और फिलहाल आप हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की जो समझिए सिस्टर कंपनी तो नहीं लेकिन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स माफ कीजिए BEML है उसकी तेजी आपको चंदन जी बखूबी पकड़ते हुए दिखेंगे। चंदन जी स्वागत है आपका। 1440 यहाँ पर जो मूव आपने कमाई के अड्डे में पकड़ते हुए देखा है वो तब मेरे ख्याल से 1390 का प्राइस था। इस मोमेंटम को घर ले जाना है, बहुत ही शानदार ब्रेकआउट आपके सामने बहुत ही लंबी अवधि का होता हुआ BEML पर। लास्ट ये प्राइस आपने देखा था मिड मार्च में। जी काफी अच्छा सेटअप इस पूरे सेगमेंट में देखने को मिल रहा है और ये पूरा का पूरा सेक्टर है जो हमारी नजर में है। कल HAL के ट्रेड की हम बात कर रहे थे, BTST में 1450 के लेवल 1440-42 तक गया और BEML की अब आप बात करें तो इतना बड़ा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। जहां तक मैं चार्ट देख रहा हूँ 25 महीनों के बड़ा कंसोलिडेशन बना है और जो 1425 इसका एक हर्डल होता था उसको अभी डिसाइसिवली पार किया है न्यूज के ट्रिगर के साथ। तो जो 13 लाख के वॉल्यूम्स के साथ ये ट्रिगर पार हुआ है कहीं ना कहीं और मोमेंटम रहेगा। आप यदि लोअर टाइम फ्रेम में देखें तो कहीं ना कहीं आपको कप एंड हैंडल फॉर्मेशंस या राउंडिंग फॉर्मेशंस के मल्टीपल स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। मेरे हिसाब से 1400 का यहाँ पे सपोर्ट लगाना चाहिए, आपको कहीं ना कहीं 1500-1510 तक के लेवल BEML में बनने चाहिए। 1510 आपको आता हुआ दिखता है BEML में तो मेरे ख्याल से वो रिकॉर्ड हाई ही होगा। एक बार इस बात को भी चेक कर लेते हैं, आज जो ब्रेकआउट है बहुत ही शानदार वॉल्यूम के साथ है, 5 दिन की एवरेज 4,11,000 और फिलहाल आपके सामने 13 लाख शेयर ऑलरेडी ट्रैक होते हुए दिख रहे हैं आपके सामने BEML पर। ऑल टाइम हाई पर एक बार नजर डालना जरूरी है, वो है लगभग 1942 जो आपने लगती हुई देखी थी 2017 सितंबर में। वीरेन जी, जी शैल जी मैं अब देख रहा हूं BEML चल रहा है, HAL चल रहा है, BEL चल रहा है तो L&T कैसे शांत रहे? 1696 पे L&T की अगर आप देखें तो डेटा काफी अच्छे खासे हैं। मैं हालांकि इसके ऑप्शंस को देखा नहीं है अभी तक एक बार, इनफैक्ट मैं जरा लार्सन के डेटा निकाल लूं L&T में क्या करना चाहिए। L&T आपके स्क्रीन पर आप देखें डे हाई की रेंज में आके 1696। राहुल जी जरा एक बार आप L&T को स्कैन कीजिएगा, डेरिवेटिव्स के मैं इसकी ऑप्शन चेन निकालता हूं कर क्या रहा है ये ऑप्शन चेन में और डे हाई पर है, वॉल्यूम्स काफी अच्छे खासे हैं। इसकी 1700 की कॉल में आज सब्सट्रक्शन है, 1740 की कॉल में सब्सट्रक्शन है, 1760 की कॉल में सब्सट्रक्शन है, OI शेड हो रहा है यानी ऊपर का प्रेशर घट रहा है। आप कैसे अप्रोच करेंगे L&T को 1697 एट डे हाई और अगर ये हल्की सी स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल कटती है तो L&T क्या करेगा? 1740 की कॉल नहीं, आप 1700 की कॉल रखिएगा स्क्रीन पर प्लीज। एक बार कैसे अप्रोच करेंगे आप इस ट्रेड को राहुल जी L&T?
जी आई थिंक 1700 की कॉल ऑप्शन ही यहाँ पर बेहतरीन ट्रेड होगा, बिकॉज यहाँ पर 1700 के स्ट्राइक में तकरीबन 3000 कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन इंटरेस्ट में खड़े हैं, ऑलरेडी थोड़ी अनवाइंडिंग चालू हुई है, बट मेरे हिसाब से 1700 का लेवल जैसे क्रॉस होता है यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग मूव ऑप्शन में अच्छा देखने को मिल सकता है। 30 रुपए 31 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, आई थिंक इसे बाय करके चलना चाहिए। यहाँ पर छोटा एक 25 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और मेरे हिसाब से ऊपर में आपको स्टॉक में तकरीबन 30-40 रुपए का अपसाइड इमीडिएट बेसिस में बनता है, जहां पर ये ऑप्शन आपको 50 रुपए तक की स्विंग दे सकता है। तो इसे बाय करके चलिए, 25 रुपए का स्टॉप लॉस, पहला टारगेट 39.40 का, दूसरा टारगेट मेरे हिसाब से 50 रुपए तक का देखने को मिल सकता है 1700 के कॉल ऑप्शन एलएनटी में। ये बिल्कुल सही मौका अब आपके सामने, ऑलमोस्ट 3:15 स्क्रीन पर आपको होते हुए दिखेंगे और सिलसिला शुरू करते हैं मोमेंटम ट्रेड्स का। निफ्टी फ्लैट 20 अंक ऊपर और यही स्थिति आपके सामने आती हुई दिख रही है बैंक निफ्टी पर, 36,591 और 37,375। सबसे पहले राहुल शर्मा साहब से जुड़ेंगे। राहुल जी, आपका कन्विक्शन ट्रेड कल के लिए, कुछ खरीदना है या यहाँ पर आप बिकवाली की राय रखेंगे? जी आई थिंक यहाँ पर निफ्टी मेरे हिसाब से न्यूट्रल ही बंद हो रहा है, तो यहाँ पर कोई बिकवाली की राय तो नहीं रहेगी। इनफैक्ट जो स्टॉक में अच्छा सेटअप है वहाँ पर बीटीएसटी करने की राय है, मैकडोवल में ध्यान दिया जा सकता है। यहाँ पर एक बुलिश फ्लैग पैटर्न की बनावट है, लास्ट 4 दिन से लगातार स्टॉक हायर लो बना रहा है, 750 के स्टॉप लॉस से बीटीएसटी बाय कीजिए। मेरे हिसाब से कल के सेशन में 770-780 तक के लेवल हमें मैकडोवल में देखने को मिल सकते हैं, तो हमारा बीटीएसटी मैकडोवल रहेगा 750 का स्टॉप लॉस, और मुझे लगता है कि ये ब्रेकआउट कल के सेशन में प्ले आउट हो सकता है। ये रणनीति आपके सामने सबसे पहले मंगलवार के दिन यूनाइटेड स्पिरिट्स पर आती हुई दिख रही है। पिछले पूरे महीने यहाँ पर हमने एक बहुत ही बढ़िया मोमेंटम ट्रैक किया और अब लक्ष्य साधते हुए दिख रहे हैं 780। 500 रुपए से आप यहाँ पर एक सीधी चाल आते हुए देख रहे हैं, और अगर आप सिर्फ और सिर्फ अगस्त और सितंबर का महीना देखें तो अगस्त के मध्य से और अब तक आप लगभग 100 रुपए से ज्यादा जुड़ते हुए देख रहे हैं इस काउंटर पर। चंदन थपड़िया साहब बताइए, क्या पसंद आता है आपको? बिल्कुल, देखिए आज सुबह की शुरुआत आईआरसीटीसी की थी टॉपिक में और एंड में अब हम फोकस करेंगे ट्रैक्टर्स पे, एस्कॉर्ट्स पे। देखिए एस्कॉर्ट्स का आज जो कैंडल बना है वो काफी रिमार्केबल है, नए लाइफ टाइम हाई आज देखने को बने, पुराने हाई 1468 को निकाल के 1478 के हाई बने, तो इस काउंटर को मैं बीटीएसटी की तरफ लेके जाऊंगा। साथ में यहाँ पे जो मंथली सेटअप बना है और अब ब्रेकआउट हुआ है पिछले लगभग 12 के डिसाइसिव कंसोलिडेटिव मूव के बाद, यहाँ पे 15-25% की रैली पोजिशनल बेसिस पे बननी चाहिए, बट इमीडिएट बेसिस पे ट्रेंड सेटअप पॉजिटिव है, ऊपर के लेवल डीप आया है, तो बिल्कुल खरीदारी की सलाह रहेगी। 1444 का स्टॉप लॉस, 1500 और 1515 के टारगेट यहाँ पे आपको देखने को मिलने चाहिए। यू बोल, चलिए तो आपकी अगर आप देखें कॉल होगी एस्कॉर्ट्स 1460 पे, ऑल टाइम हाई क्लोज है। प्रकाश गावा सर, आपकी कॉल क्या होगी कल के लिए? मुझे लगता है मार्केट ऊपर है यहां से, तो एक लॉन्ग कॉल रहेगी, वो है इंडसइंड बैंक। रिसेंट हाई हमने देखा है 1067 का, जैसे मोमेंटम आज है काफी वक्त के बाद ऐसा मोमेंटम मिला है और काफी कंसोलिडेशन के बाद मिला है। मुझे लगता है जो 1067 रिसेंट हाई है उसको टेस्ट करने जा रहा है, हमारा टारगेट रहेगा 1060, उसके बाद हायर जोन देखेंगे आप, स्टॉप का 1000 का 1010 भी लगा देंगे तो भी चलेगा। बीटीएसटी के तौर पर इंडसइंड बैंक ब्यूटीफुल बैंक। इंडसइंड बैंक अगर आप देखें आप बाइक करके चलेंगे प्रकाश का बस सर। राजेश पालवे जी, आपका कन्विक्शन ट्रेड कल के लिए बीटीएसटी एसटीबीटी? जो स्टॉक रहेगा वो ऑटोमोबाइल सेक्टर से रहेगा, हीरो मोटर। हीरो मोटर में देखें तो वीकली सेटअप के हिसाब से स्टॉक में एक डाउन स्लोपिंग चैनल का ब्रेकआउट ऑलरेडी देखने को मिला है, और जिस तरीके से स्टॉक में आज भी यहाँ पे अच्छा बाइंग मोमेंटम देखने को मिला है, और अगर हम डेली सेटअप पे देखें तो पिछले 5 दिन की जो गिरावट थी आज उसको रिकवर करके स्टॉक हायर साइड पे बंद होते हुए दिख रहा है। हमें लगता है हीरो मोटर को यहाँ से बाय करना चाहिए, 2900-2920 तक के टारगेट इसमें आते हुए दिख सकते हैं, 2830 के आसपास का स्टॉप लॉस इसमें सजेस्ट करेंगे। जो दूसरा स्टॉक अट्रैक्टिव लग रहा है वो है एचडीएफसी लाइफ का। स्टॉक में 5-6 दिनों से एक जो रेंज बाउंड कंसोलिडेशन देखने को मिला है, उसके बाद हमें लगता है जो कल के सेशन में और आज जो एक्शन देखने को मिली है, यहां से स्टॉक में 758-765 तक के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1-2 ट्रेडिंग सेशन में आते हुए दिख सकते हैं, तो एचडीएफसी लाइफ को भी बाय किया जा सकता है 736 के स्टॉप लॉस से।
लिकर स्टॉक्स, लाइफ इंश्योरेंस और ट्रैक्टर मेकर्स पर आपको बढ़िया मोमेंटम कॉल्स लॉन्ग साइड पर आती हुई दिख रही हैं। रचना जी और श्रीकांत चौहान साहब की जो टॉप मोमेंटम पिक है उस पर चर्चा करते हैं। रचना जी पहले आप। जी मेरा जो आइडिया है वो ग्लेनमार्क में है, हालांकि मेरे भेजने में और अभी मैं 3-4 रुपए आगे निकल चुका है, बट नेवरदलेस 522 पे इसका एसएल है और 545 तक के इस पर लेवल्स बन सकते हैं। एडिशनली मैं एक मनपुरम मेंशन करना चाहूंगी, जब हमने 10 दिन पहले ऑरोफार्मा टॉक आउट किया था तब ये भी किया था और इसका भी बेस बन चुका है, तो ये अब कभी भी इंपॉर्टेंट एवरेजेस को क्रॉस कर सकता है, पोजिशनली नजर रखने लायक है। चौहान साहब आपकी पहली पसंद कल के ट्रेड के लिए जो आप अभी घर ले जाना चाहेंगे, लॉन्ग या शॉर्ट? देखिए बिल्कुल लॉन्ग का ही ट्रेड लेके जाना है और फार्मा सेक्टर में जैसी तेजी बनी है मुझे लगता है वहां पे फोकस करना चाहिए। और जैसे कैडिला के बारे में बात हुई थी कि कंसोलिडेशन हो रहा है, वहां पे एक ब्रेकआउट बना है, शॉर्ट टर्म एवरेजेस में कन्वर्जेंस आ चुका है, 50 डीए में 585 के करीब ट्रेड कर रहा है। ब्रॉडर फॉर्मेशन मुझे लगता है कि इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने मिल सकता है, तो कड़ीला हेल्थ केयर करंट लेवल से लॉन्ग किया जा सकता है, 560 के करीब 557 का स्टॉप लॉस रखे, 570-575 के टारगेट के लिए इमीडिएट बेसिस पे से लॉन्ग किया जा सकता है। साथ ही साथ मुझे लगता है शेयर जी फोर्टिस हेल्थ केयर के ऊपर भी हमें फोकस करना चाहिए और उसका रीजन ये कि इसमें एक फॉलिंग वेज बना है और ये फॉलिंग वेज के बाद इस स्टॉक में अगर तेजी बनती है तो नेक्स्ट लेवल 300 के करीब के आते हैं, तो काफी अच्छा एक शानदार ब्रेकआउट हमें आने वाले दिनों में देखने मिल सकता है, लेकिन करंट लेवल्स पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है, तो 270 के स्टॉप लॉस के साथ फोर्टिस हेल्थ केयर को भी लिया जा सकता है, टारगेट 300 रुपए। ये रणनीति आप स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं कुछ फार्मा स्टॉक्स पर, तो औरबिंदो फार्मा आपके लिए, मनापुरम, फोर्टिस और कैडिला पर एक अच्छी लॉन्ग कॉल रचना जी और श्रीकांत चौहान साहब देते हुए दिख रहे हैं। ये तो टेक्निकल व्यू हुआ आपके सामने। वीरेन जी और सीएनबीसी आवाज और मेरे ट्विटर हैंडल्स पर कुछ ही समय में आपको ये सारे कॉल्स के टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस मिल जाएंगे। अब जोड़ते हैं यहाँ पर मयूरेश जोशी साहब को। आपको क्या पसंद आता है जोशी साहब? तो शेल सर आई थिंक एक टर्न अराउंड स्टोरी देख रहा हूँ, छोटी कंपनी है सीमेंट स्पेस में, केसोराम इंडस्ट्रीज, इसके अगर आप तिमाही आंकड़े देखें तो आई थिंक सीमेंट कारोबार इज अ मेजर ड्राइवर, क्योंकि टायर बिजनेस निकल गया है और रेयॉन, टीपी और केमिकल्स ये एक छोटा कॉन्ट्रीब्यूशन देता है, बट तिमाही दर तिमाही आई थिंक जो इंक्रीज हुई है वॉल्यूम्स में सीमेंट कारोबार में, दे क्लॉक द वॉल्यूम ऑफ 1.69 मिलियन टन्स पिछले तिमाही में कम्पेयर टू 0.9 मिलियन टन्स, और इसके लिए इन्होंने जो इबिटा रिपोर्ट किया है ये तिमाही में इस वॉज ऑलमोस्ट अराउंड 190 crores कम्पेयर टू 110 crore जो पिछले वर्ष के तिमाही में थे और लास्ट क्वार्टर में आई थिंक इट वॉज क्लोज टू 138 crores, तो डेफिनेट इंप्रूवमेंट दिख रहा है नंबर्स में। डेट हाई है और उसके लिए आई थिंक जो कंपनी राइट्स इशू रेज कर रही है 400 crore का जो 2 हफ्ते में स्टार्ट होगा, 50 रुपए में जो एंटरटेनमेंट होगी, मुझे लगता है एक टर्न अराउंड हो सकता है, क्योंकि आई थिंक एज वॉल्यूम्स इंक्रीज जो हमें दिख रहा है पिछले कई तिमाहियों में और जैसे डेट कम होगी आई थिंक कैश फ्लोज में जबरदस्त सुधार आएगा जो आरओईस को आई थिंक जबरदस्त तरीके से एक्सपेंड कर सकता है, तो एक थोड़ा टर्न अराउंड प्ले देख रहा हूं मैं केसोराम इंडस्ट्रीज। केसोराम इंडस्ट्रीज में आप टर्न अराउंड देख रहे हैं और 8750 पे आप पिक कर रहे हैं। बात करते करते आप देखें आपकी स्क्रीन पर करीब करीब अब 8865 पे और ट्रेवल करता हुआ और चार्टी के लिए अच्छी परिस्थिति में भी ये स्टॉक है। और एक और चीज़ आज के वॉल्यूम्स देखें तो आज के वॉल्यूम्स भी इंप्रेस करते हुए 3 दिन से इसकी वॉल्यूम एक्टिविटी में काफ़ी स्ट्रॉन्ग पिकअप है। राहुल शर्मा जी आपका BHEL 58.35 और आज की कैंडल आप समझ लीजिए कि इस जोन की सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडल है और 21 जून 2021 के बाद अब तक की सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडल क्रिएट करी है BHEL ने। और एक और स्टॉक पर नजर रखिएगा मैक्स हेल्थ केयर, ये भी अगर आप देखें डी हाई पे फ्लो करता हुआ 40250 पर, ये अपने ऑल टाइम हाई पे क्लोज होता हुआ एक हो गया। उसके बाद गेल जो ड्यूरिंग द क्लोजिंग हमने इस ट्रेड को भी पिक किया था 156.15 पे, ये इस दौर के हाईएस्ट क्लस्टर पे यानी 7 जुलाई 2021 के बाद ये अब तक के सर्वोच्च स्तरों पे जाके क्लोज होता हुआ 17381 ये निफ्टी का लेवल है। एक बार जरा मैं थोड़ा सा अगर आप ओआई के लिहाज से देखें तो याद रखिएगा आज मीडिया में जो जी का था ओआई एडिशन वो टॉप ओआई गेनर अगर आप देखें तो मीडिया को बनाता है, सेकेंड टॉप ओआई गेनर था वो था इंफ्रास्ट्रक्चर और IRCTC क्योंकि हम डेरिवेटिव्स में इंफ्रास्ट्रक्चर में इंक्लूड करते हैं वहां पर है, और टेलीकॉम में अगर आप देखें आइडिया और उसके बाद टेक्नोलॉजी में यानी आईटी स्पेस में सबसे बड़ा ओआई गेनर था आज
LTTS करीब करीब 10.5% का ओ एडिशन और HCL टेक्नोलॉजीज करीब 11% का ओ एडिशन. HCL टेक्नोलॉजीज ऑल टाइम हाई पे क्लोज होता हुआ. बहुत संक्षेप में आखिरी में यहाँ पे पालवे साहब, HCL टेक्नोलॉजीज में नया टारगेट निकल के क्या आता है, आज ये ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ है? तो बिल्कुल वीरू जी, देखिए इसमें कंटिन्यूटी तो बनी हुई है और जिस तरीके से स्टॉक का सेटअप है, हमें लगता है स्टॉक में यहाँ से 1280-1290 तक के अपसाइड यहाँ से कंटिन्यू देखने को मिलेगी. करंट लेवल से 1205 के आसपास स्टॉप लॉस आप ट्रेल कर लें और इस पोजीशन को कैरी करें. 1280-90 तक के अपसाइड के टारगेट हमें लगता आते हुए दिखना चाहिए. अब यहाँ पर फिलहाल ट्रेड पिकिंग स्टॉक फ्यूचर्स की थोड़े देर के लिए विराम में लाते हैं और प्रस्तुत करते हैं आपके सामने चार्ट चेक्स जो आपको होते हुए दिखेंगे यूरोपियन बाजार के, यूएस फ्यूचर्स के, और फिर चंदन जी आपको व्यू देंगे निफ्टी के लिए. आपके सामने बिल्कुल फ्लैट ट्रेड हमेशा की तरह यूरोपीय बाजार करते हुए दिख रहे हैं. कोई खास मूव यहां पर कभी होता हुआ दिखता नहीं. साथ ही साथ यूएस फ्यूचर्स पर नजर डालिए, कोई खासा रुझान तेजी का नहीं. यहाँ पर हम लोग एक अच्छा रुझान देख रहे थे 5 दिन की गिरावट के बाद. डाउ में आपने एक अच्छी तेजी देखी थी, उसको थोड़ी आगे बढ़ाते हुए दिख रहे हैं हम लोग फ्यूचर्स में. डॉक्टर साहब अब लाइए निफ्टी का कंट्रीब्यूशन प्लेट आपके सामने. 29 अंक ऊपर 17384 के आसपास निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और यहां पर जो स्टॉक्स इस रैली को कंट्रीब्यूट करते हुए देख रहे हैं उसमें आपको बैंकिंग क्षेत्र का अच्छा रुझान आता हुआ दिखेगा. कोटक महिंद्रा बैंक और आपके सामने L&T, HCL Tech और TCS सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन देते हुए देख रहे हैं. चंदन जी, इन सब को सामने रखते हुए बताइए क्या लगता है आपको T-1 वेडनेसडे को? जी देखिए सेल जी, सबसे पहले तो आज बाजार कंसोलिडेट हुआ बट साथ में न्यू हाई भी बनाए और इंडिया वीक्स है वो लगभग 13.5 के आसपास है, 3.5% घटा है. तो लगातार पिछले कुछ दिनों से वॉलेटिलिटी घट रही है और तो घटती हुई वॉलेटिलिटी साफ संकेत दे रहा है कि बुल्स की गिरफ्त में बाजार है और हर हल्के से डिप में खरीदारी बन रहे हैं. आप देखोगे ये लगभग छठा दिन है जब बार बार बाजार 17350 के ऊपर बंद हो रहा है. कल भी ऐसा हुआ था बट आज अच्छी बात है कि न्यू हाई बना के बेस थोड़ा हायर शिफ्ट कर रहा है. तो यहाँ पे जो इमीडिएट सपोर्ट है वो अब 17270 के आसपास रहेंगे और अब हम बिल्कुल 17500 और 17777 की तरफ बढ़ते जाएंगे. हालांकि थोड़ा सा रेंज बाउंड बायस आज देखने को मिला और वॉलेटिलिटी घटी, उसकी वजह से प्रीमियम ऑप्शंस के नहीं बढ़े बट बायस पॉजिटिव रहेगा और पॉजिटिव मूव के साथ में मार्केट में काम करने की सलाह रहेगी. यदि किसी को ऑप्शंस ट्रेड करना है, याद रखें मार्केट कंसोलिडेटिव है तो प्रीमियम थोड़ा सा डीके होगा बट उस डीके के साथ में यदि आप पिक करना चाहते हो तो 17350 का 16 सितंबर वीकली एक्सपायरी का कॉल ले. 78 रुपीज के आसपास चल रहा है, ऑलमोस्ट लोवेस्ट लेवल के आसपास है आज के क्योंकि टाइम डीके हुआ है. यहाँ पे आपको 45 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा ऊपर में 115-118 के टारगेट के. ये रणनीति आपके सामने फिलहाल निफ्टी पर आती हुई दिख रही है. डायरेक्टर साहब अब शुरू करते हैं अपना समापन समारोह. आपके सामने ये कुछ काउंटर्स हैं जो आपको निफ्टी में बढ़िया रिटर्न देते हुए दिखेंगे. इन चारों पर आपने लॉन्ग कॉल्स वीरेन जी और हमारी टेक्निकल पैनल की तरफ से आती हुई देखी हैं, खासकर HCL चेक पर जो डीलिंग रूम चेक में भी आपको तेजी की मोहर लगाता हुआ दिखा था यतीन जी द्वारा. 2.5% ऊपर फ्रेश रिकॉर्ड हाई 1240 के आसपास ये काउंटर बंद होता हुआ दिख रहा है. डायरेक्टर साहब दिखाइए हमारे सारे इंडिसीज, एडवांस डिक्लाइन रेशियोज और कौन कौन से अदर इंडिसीज हैं जहां पर आपको बढ़िया मूव आता हुआ दिख रहा है. इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर्स में खासी खरीदारी, यहां पर KNR कंस्ट्रक्शन को 350 करोड़ का ऑर्डर मिला, स्टॉक लगभग 3% ऊपर. NCC, RPP और मैन इंफ्रा में आप मूव्स देख रहे हैं 2.3% और 12% का. ऑटो एंसिलरीज में रौनक है, यहाँ पर इंतजार है एक PLI स्कीम का ऑटो सेक्टर और ऑटो एंसिलरीज के लिए. मदसन सुमी 4.5% की वृद्धि आपके सामने. भारत और आपको बहुत बढ़िया मूव आता हुआ दिखेगा JBM ऑटो और जय भारत मारुति में. पैकेजिंग काउंटर्स में खासी तेजी थी, पॉलीप्लेक्स, यूफ्लेक्स और कॉस्मो फिल्म आपको डबल डिजिट गेन्स देते हुए दिख रहे हैं. डायरेक्टर साहब दिखाइए हमारा निफ्टी का हीट मैप, वहां पर आपको बढ़िया मोमेंटम आता हुआ दिखेगा कुछ काउंटर्स में, खासकर HCL टेक में. एडवांस डिक्लाइन रेशियोज फिलहाल आपको आते हुए दिख रहे हैं. फ्लैट क्लोज निफ्टी में 17380 के आसपास. निफ्टी बैंक आपको 131 अंक ऊपर और अच्छी रौनक में आपको निफ्टी का IT इंडेक्स आता हुआ दिखेगा. 27 अंक ऊपर फिलहाल निफ्टी. ऑलमोस्ट देखिए बुल्स थोड़ा सा आगे आपको निकलते हुए दिखेंगे. एडवांस डिक्लाइन रेशियोज फिलहाल स्क्रीन पर.
इंडसइंड बैंक, एचसीएल टेक, हीरो मोटर्स और अदानी पोर्ट्स टॉप गेनर्स हैं। ऑटो क्षेत्र में आपको साथ देता हुआ दिख रहा है बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स और मंगलवार के दिन मारुति भी आपको हरे निशान में ट्रेड करता हुआ दिखेगा। साथ ही साथ आयशर पर आप एक अच्छा मूव देख रहे हैं। रौनक लौटती हुई एसबीआई लाइफ पर 0.5% ऊपर और एचडीएफसी लाइफ पर एक अच्छी रिपोर्ट के बाद आप वापस मोमेंटम आते हुए देख रहे हैं। ध्यान दीजिए 774 का ऑल टाइम हाई हम लोग एचडीएफसी लाइफ पर ट्रेड करते हुए देख रहे हैं। कौन कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आपको हल्का सा लाल निशान आता हुआ दिख रहा है? लीवर में मुनाफा वसूली, साथ ही साथ आपके सामने लीवर का साथ दे रहे हैं एशियन पेंट्स और टाटा कंज्यूमर फिलहाल एफएमसीजी क्षेत्र में, रिलायंस इंडस्ट्रीज में फ्लैट क्लोज, बीपीसीएल और नेस्ले पर हल्की सी मुनाफा वसूली। ये सूरत हाल आपके सामने फिलहाल निफ्टी का। 23 अंक ऊपर 17376 के आसपास एक अच्छा क्लोज आपको देता हुआ दिखेगा निफ्टी। जी एंटरटेनमेंट आपके सामने 40% ऊपर 75 रुपए की तेजी और सबसे ज्यादा वॉल्यूम इससे लिस्टेड पर आपको दिखेगी। मेरे ख्याल से आज 4,500 करोड़ से ज्यादा का ट्रांजैक्शन आपने जी पर आते हुए देखा। फ्रेश रिकॉर्ड हाई हम लोग एस्कॉर्ट्स पर इंट्राडे के रूप में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं और ये एक रिकॉर्ड क्लोज आपके सामने 6% के रूप में आता हुआ दिखेगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने रोल्स रॉयस के साथ करार किया, कोई खास ऐसा मूव नहीं। BEML और BEL दिखाइए डायरेक्ट साहब स्क्रीन पर, दिन के उच्चतम लेवल पर ये काउंटर्स आपको बंद होते हुए दिखेंगे। वीरेन जी आपने क्या पकड़ा? जी हाँ शैल जी, 17382 पर इट्स एन ऑल टाइम हाई क्लोज फॉर निफ्टी, ये अब तक का सर्वोच्च स्तर है क्लोजिंग के मुताबिक और जहां तक ये अभी तक की प्रोविजनिंग क्लोजिंग है उसके हिसाब से। इससे पहले का अगर आप देखें जो हाई था, क्लोज हाई वो था 9 सितंबर का 17370 के आसपास, तो ये एक ऑल टाइम हाई क्लोज है। और आपकी स्क्रीन पर अगर आप देखें कुछ स्टॉक्स जो कि ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुए हैं उसमें IRCTC शामिल हुआ, उसमें अगर आप देखें तो अभी अभी स्क्रीन पे अपीयर होता हुआ आपका बाटा 1804 पे और BEML में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव दिखा गया। मैं एक बार के लिए आपको जरा डेरिवेटिव्स की कहानी समझाता हूँ कि आज एग्जैक्टली डेरिवेटिव्स में क्या हुआ। आज टॉप OI गेनर रहा IRCTC, जिसमें अगर आप देखें सबसे अच्छा OI एडिशन देखा गया इसमें हो गया, और उसके बाद अगर आप देखें तो L&T इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग ओ एडिशन देखा गया। इपका लैब यहाँ पे 18% का ओ एडिशन, जी में करीब 18% का, एस्कॉर्ट्स 15% ओ एडिशन ऑल टाइम हाई फॉर क्लोज फॉर एस्कॉर्ट्स, UBL करीब 14% और इंडसइंड बैंक बैंकिंग स्पेस में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा आज 13% का ओ एडिशन, और साथ ही साथ HCL टेक्नोलॉजीज यतिन ने जिक्र भी किया था इस स्टॉक का 11% के ओ एडिशन के साथ ये स्टॉक भी अपने ऑल टाइम हाई पे क्लोज रहा था। शैल जी आज सीधा सौदा की टीम यहाँ पे ट्रेंड्स कैसे रहे? वीरेन जी आशीष जी की टीम पर हम लोग नजर डालते हैं, यहाँ पर आप ठीक ठाक मोमेंटम आते हुए देखें और वहां पर जो आप टॉप परफॉर्मर्स आते हुए देखेंगे स्क्रीन पर वो आपको हम लोग प्रस्तुत करते हुए देखेंगे। बहुत बढ़िया मोमेंटम आप देख रहे हैं आशीष जी की टीम में। TVS इलेक्ट्रॉनिक्स पर 5.5% का सर्किट, गोदावरी पावर एंड इस्पात पर बोर्ड मीटिंग से पहले स्टॉक स्प्लिट और बोनस की चर्चा गोदावरी पावर में होती हुई दिखेगी। और TVS इलेक्ट्रॉनिक्स को आशीष जी ने इसलिए चुना था क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे थे एप्पल का ग्लोबल लॉन्च जो आपको यहाँ पर कुछ असर लाता हुआ दिखेगा। न्यू इंडिया एश्योरेंस आपके सामने 2.25% ऊपर और थायरोकेयर में 0.1% की वृद्धि आती हुई दिख रही है। अब यहाँ पर समय समाप्त हो चुका है कमाई के अड्डे का और बिल्कुल सही समय है कि आगे की कमान हम लोग देते हुए दिखेंगे दीपाली जी को। अच्छा मोमेंटम शुगर फ्यूचर्स में और हल्की सी मुनाफा वसूली रिकॉर्ड हाइज में आप मेटल काउंटर्स में आते हुए देख रहे हैं। दीपाली जी स्वागत है आपका। बिल्कुल मेटल्स थोड़े हल्के हुए हैं और आज आप देखें कमोडिटी मार्केट में भी तो एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, कॉपर सभी 0.5% की वीकनेस दिखा रहे हैं। ज्यादा एक्शन कमोडिटीज में है नहीं वीरेन, क्योंकि ये गोल्ड सिल्वर भी देखिए थोड़े से सुस्त, काफी समय से कंसोलिडेशन हम देख रहे हैं। दो कमोडिटीज ऐसी है जहां पर एक्शन हम ऑन एंड ऑफ कंसिस्टेंटली देख रहे हैं, एक है नेचुरल गैस और दूसरा है क्रूड। तो ऑयल एंड गैस यहीं पर सबसे ज्यादा एक्शन है और इसी पर इसीलिए हम फोकस करेंगे कि यहाँ पर अब प्रॉफिट्स लेने हैं जिनके पास खरीदारी की पोजीशंस हो या फिर नए ट्रेड्स अभी भी लेने के मौके हैं। तो स्ट्रेटजी समझेंगे एक ब्रेक के बाद कमोडिटी राउंड।